Zahida Banu ma'am to come on backstage. I request Dr. Zahida Banu ma'am to come on back for the screen. I'm Dr. Yasin Fatima. We are your host for today's session. I welcome you all on the 2nd of Feb 2020 for the inaugural session of FUMO. खुदा से दुआ है कि नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, नई उम्मीद नई ज़िंदगी अता कर दे, बुलंद मेरा हिमालय से भी हौसला कर दे, कदम कदम पे जो फ़ानूस बन सके मेरा, कदम कदम पे जो फ़ानूस बन सके मेरा, तू मेरे साथ कोई ऐसा काफिला कर दे। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से करना चाहती हूँ। हदीस शरीफ है, अफजलुल इबादती क़िरअतुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। तो आइए तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं डॉक्टर ज़ाहिदा बानू को इस शेर के साथ दावत सुकन देती हूँ। है पयाम सदाकत कलाम कुरान का, है पयाम सदाकत कलाम कुरान का, किस कदर हम पे है ये इनाम कुरान का। दुश्मनों ने मिटाना तो चाहा बहुत, दुश्मनों ने मिटाना तो चाहा बहुत, फिर भी रोशन है दुनिया में नाम कुरान का। डॉक्टर ज़ाहिदा बानू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قُدْحًا بهم بهم
अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पार्टों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारी एक का बदला वहाँ सत्तर से ज्यादा है, नियत तुलती है पलड़ों में, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो वहाँ जो हाथ उठते हैं कभी खाली नहीं आते, जरा सी देर लगती है मगर वो देखे रहता है, जरा सी देर लगती है मगर वो देखे रहता है, हाँ वो देखे रहता है, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, दरी दो दामनों को वो रफो करता है रहमत से, अगर कशकोल टूटा हो तो वो भरता है नेमत से, नजर वो उठ के रहती है करम हो के ही रहता है, उम्मीदों का चमकता दिन अमर हो के ही रहता है, अमर हो के ही रहता है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो। जज़ाकअल्लाह खैर। मैं आप तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ जिन्होंने हमारी दिलजोई के लिए अपने कीमती औकात को कुर्बान कर डाला। हमने दावत दी, लब्बैक कहा, हमने बुलाया तो अपनी हाज़िरी से महफिल को जीनत बख्शी। जैसा कि आप सब जानते हैं आज हम यहाँ फेमिनिन यूनानी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के इफ्तिताह के लिए जमा हुए हैं। मैं एक बार याद दिलाती चलूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर असमा सुल्ताना ने 2013 में मेड विजन के नाम से क़ायम किया, जिसके तहत कई सौओं की तादाद में तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ़ शोबों पर उलूम के हुसूल से आरास्ता हुए। अब चूँकि यूनानी तरीक़े इलाज एक कदीम तरीन शोबा है जिसमें तिब से ताल्लुक़ रखने वाले अतिबा कराम मर्द हजरात काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, तिब से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर और तजुर्बेकार औरतें भी हैं, लेकिन चंद वो मसाइल जिससे वो सिमट कर रह गई हैं जैसे कि घरेलू मसाइल, बेपर्दगी का अंदेशा, मखलूत खिदमात से गुरेज, माशरे के हालात, ये तमाम मसाइल दरपेश थे। इन तमाम मसाइल को बालाए ताक रखते हुए जदीद व कदीम माहिर व तजुर्बेकार तबीबा के हमरा एक छोटी सी कोशिश की गई है और फ्यूमों को कायम किया गया है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, तदबीर के दस्ते जर्री से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। फेमिनिन यूनानी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मज़ीद परहान चढ़ाने और दीगर उमूर जैसे कैंप्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, कोचिंग्स वगैरह करना मकसूद है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द फ्यूमो इंक्लूड्स डॉक्टर समिया शरीन मैम हु इज़ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ डॉक्टर गौसिया तबस्सुम, द जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असमा सुल्ताना मैम, ट्रेजरर आयशा सुल्ताना, द एग्जीक्यूटिव मेम्बर्स इंक्लूड डॉक्टर रुखसाना बेगम, डॉक्टर ज़हरा परवीन, डॉक्टर यासीन फातिमा, डॉक्टर नाजिया मेवीन एंड डॉक्टर ज़ैनब परवीन। माय टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स दैट दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस टॉक, स्पेशली डॉक्टर असमा बिकॉज शी इज स्पेशली इन्वाइटेड फॉर दिस टॉक, बिकॉज द टॉपिक व्हिच हैज़ बीन सेलेक्टेड हियर इज़ अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग
because 100% today the audience are female. So I think so it will be interesting topic for all of you. So let us begin. Abnormal uterine bleeding and role of Unani medicine. What you will learn, what is abnormal uterine bleeding, what are the causes, clinical features and management. Only we'll see here Unani management. Then why I have chosen this topic means because abnormal uterine bleeding is a vast topic. It includes all the type of abnormal bleeding. Now we are going to see a recent classification of abnormal uterine bleeding to explore the knowledge in reference to Unani medicine, to implement the knowledge in clinical practice as Unani treatment is cost effective, efficacious and without any side effects. So we all know abnormal uterine bleeding is a common problem affecting women of reproductive age that has significant social and economic impact and have a substantial effect on health related quality of life. Abnormal uterine bleeding lead to loss of productivity and may result in surgical intervention including hysterectomy. A unified practical guidance based on scientific evidence helps in standardizing clinical management practices. Introduction. Nearly we see that 30% of women suffer from abnormal uterine bleeding. And if we see traditionally, previously we used to call abnormal uterine bleeding as menorrhagia, metrorrhagia, polymenorrhea, and oligomenorrhea. But these terms are now abundant. We don't use these terms. And in order to create a universally accepted nomenclature to describe abnormal uterine bleeding, the FIGO and ACOG international bodies have given a newer system of terminology to describe abnormal uterine bleeding. What is the nomenclature of abnormal uterine bleeding? If you can see that, based on the etiology, the new classification is given as palm coin. And this palm coin are two words which are acronyms given to describe all the types of abnormal uterine bleeding. Palm acronym is used for structural and structural abnormalities, whereas coin is used for non-structural causes. So here the acronym PALM stands for, P stands for polyp, A stands for adenomyosis, L stands for leiomyomas, and M stands for malignancy and hyperplasia. Whereas when we come to non-structural systemic causes, it can be C is for coagulopathy, O for ovulatory dysfunction, E for endometrial, I for iatrogenic, and N for non yet identified. We also know one more term called as DUB, that is dysfunctional uterine bleeding, and this term is also now abundant. We don't use this term. We only use palm coin classification to divide the abnormal uterine bleeding. So when we come to leiomyomas, actually leiomyoma itself is a big topic. Again, the leiomyoma or abnormal uterine bleeding, L, is again divided into subclassification. So you can see the subclassification is again, the leiomyomas are divided into again two. One is submucosal, that is LSM, and second is others type of leiomyomas. So here, this leiomyoma are graded from 0 to 8. You can see in this image that it is 0 to 8. 0 is pedunculated intracavity submucosal fibroids, whereas 1 is when the fibroid is less than 50% in the myometrium, then we call it as grade 1 leiomyoma. And grade 2 leiomyoma is, that is submucosal, is more than 50% of the myomal tissue, this fibroid tissue lies in the intramural area. So we call it as submucosal. Part of fibroid, when it comes in the cavity, then we call it as submucosal. And it can be, again, as I said you, 0, 1, 2. Then others, third, when, if you can see in the picture, the labeling is done already, 1, 2, 3. So you can see 3 is contact, it contacts endometrium, but 100% of the fibroid tissue is in the myometrium. Then fourth is intramural, that is again, it is totally in the myometrium. Fifth is subserosal, that is 50% or more is intramural, only
less than 50% is outside the myometrium in the perimetrium. Subserosal less than 150 intramural, that is more part of the fibroid is outside the myometrium. Then subserosal pedunculated, seventh is when the fibroid is totally outside the myometrium but in the perimetrium, then we call it as subserosal, and it will have peduncle, then we call it as subserosal myoma. Then others, if suppose the myoma or the fibroid is not in the uterus, it lies outside the uterus, then we call it as other. For example, cervical, parasitic or broad ligament myoma, all this comes in the other type of leiomyomas. So this is the classification of leiomyoma. And again, one more type is that called as hybrid leiomyoma. If the fibroid tissue is present in all the three layers, or then we can call it as hybrid. For example, it is given here 2 to 5. That means the fibroid is subserosal as well as it is submucosal. Then we call it as, we write it as a hybrid leiomyoma. It's clear now? I think so, it's clear. So leiomyoma, whenever a patient comes to you with history of abnormal uterine bleeding due to fibroid, you can write the diagnosis as AUB-L. If it is submucosal fibroid, you can write LSM, okay? And if it is not submucosal, other type, then you can write LO. Then, now we have seen the classification that the abnormal uterine bleeding has been divided into two, that is PALM, COIN. PALM means structural causes, COIN means non-structural causes. So here, I think so, I don't have to go in detail in this slide because you already know what is polyp, what is adenomyosis. Adenomyosis, we say when the endometrium invades the myometrium approximately 2.5 mm beyond, then we call it as adenomyosis. Then just now I said you about leiomyomas. Then malignancy, here the classification of malignancy is not changed. Whatever the WHO staging has been done, the same staging is followed here. We don't change the staging here. So we have to follow the WHO staging, but when we write, the patient comes to you with abnormal bleeding, we write abnormal uterine bleeding dash M when it is due to malignancy. Then comes to the non-structural type of causes of abnormal uterine bleeding. It can be coagulopathy, and most common coagulopathy is von Willebrand's disease, that is VWF factor, which causes bleeding disorder. Second is ovulatory dysfunction, like for example, polycystic ovarian disease. So you can, if suppose a patient comes to you with history of abnormal uterine bleeding, that is oligomenorrhea, menorrhagia, or DOB, you can label it as AUB-O. Then abnormal uterine bleeding due to endometrial causes, this DOB can be included in abnormal uterine bleeding of endometrial causes. Because here the patient will not have any cause, there will be no hyperplasia, like patient will have essential hemorrhagia, then we can say that the abnormal uterine bleeding is due to endometrial cause. We can write AUBE. Then iatrogenic, we all know whenever the bleeding occurs because of drugs, then we call it as iatrogenic abnormal uterine bleeding, which is represented as AUBI. Here it can be because of OC pills or intrauterine systems or injections. Dipraprevir can cause abnormal uterine bleeding. Not classified, here we are not able to classify the type of abnormal uterine bleeding. For example, if the patient is having chronic endometritis or atriovenous malformation of the uterine vessels can cause abnormal uterine bleeding. Like this causes are included and not yet classified. So here, usually the patient will come to you with history of abnormal bleeding, that is, they may have intraminstrual bleeding, they may have excessive flow, or they may have oligomenorrhea, or they may have amenorrhea also. All this are included in abnormal uterine bleeding. Depending on the cause, you have to write the type. So in this slide, I will not go in detail because it's a very detailed slide. And for example, in adenomyosis, the patient may come to you with history of dysmenorrhea as well as menorrhagia. And then in leiomyoma also, usually the patient will come to you with the presentation of dysmenorrhea, or they may come to you with history of menorrhagia. In malignancy, usually the patient will come to you with history of metrorrhagia or intraminstrual bleeding. If suppose the patient comes to you with history of intraminstrual bleeding, you can write AUB-IMB, that is intraminstrual bleeding.
legs, coagulopathy. Coagulopathy or bleeding disorders, usually the patient will come to in during MENAC. But just before MENAC, the patient may come with history of menorrhagia to you. And usually patient will come with puberty menorrhagia, where you will see that other findings are usually normal. But when you go for blood investigation, you can see that there will be disorder in PTT and PT. Then ovulatory, just now I said you. Ovulatory, the ovaries will be normal in these cases, and usually they will present with history of polycystic ovarian disease or insulin resistance. Endometrial, the patient will come with history of intermenstrual spotting or prolonged spotting. Or here again you will see that the uterine size will be normal, endometrial thickness may be also normal. Iatrogenic, the patient will give you the history of using OCPs or IUCDs or injectables. Not classified. Just now I said you, if the patient is, all the investigations are normal, then send the patient for Doppler to exclude atriovenous malformations. So here, I said you one cause is abnormal uterine bleeding due to endometrium, that is AUBE. Usually in this, the patient may not have any structural changes seen. But it is said that biochemically there will be changes, like for example, recent investigations have shown that there is imbalance between vasoconstrictors and vasodilators as well as platelet aggregation. So in abnormal uterine bleeding, heavy menstrual bleeding, usually the patient will have decrease in vasoconstrictors and platelet aggregation and increase in vasodilators and platelet anti-aggressions. For example, if you see the vasoconstrictors are TXA2 and prostaglandin F2 alpha, which is decreased in cases of endometrial causes, which is leading to menorrhagia. And then prostaglandin E2 and prostacyclines are increased, therefore causing vasodilatation in the endometrial vessels, leading to heavy menstrual bleeding. So mainly in abnormal uterine bleeding caused because of endometrial cause may be because of imbalance between vasoconstrictors and vasodilators. So here, for example, if you are in clinics or if you are doing research, you can use this pictograph. This is called as pictographic blood assessment chart, where we can count the number of pads and we can label it as, suppose example, if it is the pad is getting lightly stained, we write 1. If it is moderately stained, we call it as 5. And if it is completely stained, we call it as 20. So here we can say the scoring. If the PBAC scoring is more than 100, we say that the patient is having menorrhagia or increased menstrual bleeding. And if suppose the PBAC score is less than 30, we usually say that it's oligomenorrhea. So here the presentation with abnormal uterine bleeding, if you see, if the patient may come to you with history of menorrhagia, the patient may come to you with history of oligomenorrhea, intermenstrual spotting or delayed periods. So whenever the patient comes to you, first thing is to take medical history. Without medical history, you are not able to diagnose the case, because medical history plays 75% role in diagnosis, whereas 25% is played by the clinical presentation and 5% are investigation. That means if you take correct and proper medical history, you may easily diagnose what is the cause of the disease. Then next is physical examination and then initial assessment. Suppose after taking medical history, if you suspect that patient is very young, she's having puberty menorrhagia, you can suspect coagulopathy. In these cases, you can send for the coagulation profile to see that the patient is not having any bleeding disorder. If suppose there is no bleeding disorder, then she may be having AUB due to ovulatory cause. So in these cases, you can go for CBC with platelets, prothrombin time and PTT. And if suppose the patient has von Willebrand disease, then we have to refer to the patient to the physician for proper guidance and treatment. Then if suppose the patient is not having any coagulopathy, then investigate for other causes like thyroid diseases, ultrasonography to see is it in hypoplasia or other causes. And if suppose leiomyoma is there, and if you want to stage the leiomyoma, then you can go for MRI. And if suppose the endometrium is thickened, you can go for saline infusion sonography, that is SII, to see that the patient is having polyp or not. If it is iatrogenic, consult the patient and change the treatment. Many terms, now we are not using that terms. So what is the role of Unani medicine? How can we compare the Unani medicine with modern medicine? Can we compare it or can't we compare? We are better than them. We can just see in these slides.
So we all know that here when we say abnormal uterine bleeding, it includes all the things. Etebaze has istihaza as well as kasrate thumbs. All is included. But here, because of paucity of time, I'm only concentrating on menorrhagia, not on amenorrhea and DOB. So here, when we say kasrate hez, is also called as salane hez and ifrate hez. So three terms are used in Unani medicine, that is kasrate hez or kasrate thumbs, salane hez and ifrate hez. Ifrate hez term has been used by Ibn Sina in Al-Khanun. So here, when we say menorrhagia, we have to remember there are three points: muddat, kimiyat, and kafiyat. So here, whenever there is abnormality in muddat, kafiyat, and kimiyat, it can lead to abnormal uterine bleeding. The same has been said in the modern medicine also, that is frequency, regularity, duration of flow, and volume of the menses. So we can compare our Unani system, is same repeated now, that the frequency is important, the duration is important, regularity is important, and volume is important. This slide I don't have to say, you already know all these things. Then depending upon the etiology, the menorrhagia can be menorrhagia, the causes has been said as imtilae badan. Whenever there is imtilae badan, the patient may have excessive bleeding to cause tanhiye badan. Second cause can be rikhat and latapate khun, which is caused because of rakhik and tez blood leading to rupture of the vessels and leading to heavy menstrual bleeding. Third, galbay khilte safra, it can also cause heavy bleeding. Galbay khilte ha saudavi hiddat walazay dam. So all these are the causes for abnormal menorrhagia. Then amraze rahim, the diseases which can cause menorrhagia, sway mizaj, zawfe rahim, zawfe uruq rahim, bawasir rahim, shaqaqur rahim, khruwa rahim, hikkatul rahim. So all these are the causes which can lead to, so you can put all these causes in uterine causes. Then dilatation, fragility, and rupture of uterine vessels are seen because of two causes, that is asbab-e-dakhili and asbab-e-khariji. Asbab-e-dakhili is usually sway-mizaj har yabis, barit yabis, and mizaj-e-ratab, whereas khariji can be because of trauma and injury. Not only this, the Unani authors also said, welcome to all the respected dignitaries and my dear students. Thanks to Feminine Unani Medical Organization for giving me this opportunity. I would like to present to you on the topic of role of Unani treatment in cosmetology. Myself, Dr. Kahkashan Afreen, with your permission, can I share some background information about how I started Unani cosmetic treatments? Few years back, I got a thought in my mind that apart from doing regular clinical practice, how can I help patients in cosmetic treatments? Then I started exploring options. I decided to take a course in fellowship in medical cosmetology, which gave me a broad understanding of medical cosmetology. And I learned different techniques and procedures. I correlate these techniques and procedures with Unani concept and treatments. I explored different ways of Unani cosmetic treatments. And I did a lot of research on this and then came up with unique concept of Unani cosmetic treatments. That's how my journey started. I do myself preparations of cosmetics according to the patient need, which have given amazing results in my patients. I would like to give a short presentation on role of Unani treatment in cosmetology. Introduction to Unani cosmetics. Unani is an evidence-based system of medicine enriched in several cosmetic formulations used to beautify the skin, face, hair, and nails. The boundless literature on natural cosmetics were mentioned in Unani classical literature, especially in Kitab al-Mansuri and 23rd volume of Al-Hawi. In Unani classical literature, several single drugs as well as compound formulations of Unani cosmeceutical preparations were described. Contrary to the common belief that cosmetics belongs to the modern times, as a matter of historical fact, before the invent of modern cosmetics, the Unani physicians had laid foundation of branch of medical science as ilmul zinat, science of beauty, that is cosmetology. Why do we need to shift towards Unani treatment in cosmetics? As you all know, the modern cosmetics and perfumery preparations are based on synthetic chemicals, which have a lot of side effects, such as damage to skin, carcinogenic effects, and early aging signs.
In Yunani system of medicine, there are no such side effects found in broad range of preparations derived from natural sources. The best thing of Yunani cosmetics is that it is purely herbal. The best thing of Yunani cosmetics is that it is purely made by natural medicines. These natural medicines doesn't have any side effects on human body. Instead, enrich the body with nutrients and other useful minerals. Advantages of Yunani treatment in cosmetology. In Yunani treatment, the medicines which are used has a long history of safe human usage. The human body easily develops resistance to synthetic drugs. Our body responds well to the natural substances. The skin and scalp are influenced at the cellular level, helping to improve normal functions, easily excretes toxic materials, and restore normal pH balance, and have powerful healing properties. And the fragrances effect of flowers and herbal extracts help to calm the nerves and induce relaxation. Yunani medicine as cosmetic. The Yunani cosmetics may group as under cosmetics for enhancing the appearance of facial skin, and cosmetics for skin care, cosmetics for hair care and hair growth. Types of Yunani cosmeceuticals. On the basis of physical state of dosage form, there are three types of Yunani cosmeceuticals: solid, semi-solid, and liquid. In solid, there is Ghaza, Ghalia, Kohal, Kajal. And in semi-solid form, there is Zimad, Tila, Uptan. And in liquid form, Ghusul, Pashoya, Roshoya. Modern medical cosmetology versus Yunani cosmetology. In modern medical cosmetology, there are so many different expensive procedures and treatments like lasers. In lasers, we have facial hair reduction, skin tightening and resurfacing, acne scars, and other procedures like chemical peels, dermal roller, macroderm abrasion, and many more. So these expensive treatments can be treated in a better way by Yunani cosmetology treatments. Yunani treatment in cosmetology. Usul ilaj. According to Yunani principles, treatment in skin and hair disorders have been classified as tanqiya mawad. Which khilt is dominant, we have to give the munzij and usul of the khilt. And diet and lifestyle changes. And oral medication in the form of musafirdam medicines. And local application and ilaj with tadbir. In local application, we have external medications like face washes with Yunani soap, which is made by combination of Yunani drugs in a soap base according to the skin type. And zimad, that is face packs. In this, the medicines are selected for face or depending on the skin conditions, and face creams. In ilaj with tadbir, we have hijama therapy and cosmofacial therapy. The hijama therapy, we have wet cupping, that is detoxifying the body and the face, and facial massage cupping, that is for lymphatic drainage and rejuvenation of the skin, skin tightening and detoxifying the skin. In Yunani cosmofacial therapy, different procedures has to be taken. In Yunani cosmofacial therapy, there are different steps, like first is cleansing. In cleansing, we will use the jali drugs. In scrubbing, use of roshoya and mukhashir type of preparations. And in steaming, use of moholil aromatic drugs with water steam. And in astringent, use of habis drugs. And massage, skin massage with moraki emollient and lubricant type of preparations. And lastly, finally, we put face pack in which we will use as Mohsin Alun medicines. These are some of the patients which are treated at our center with completely Yunani treatments. This is the case of acne scar, which is treated by oral medications and hijama therapy. And this is the case of acne. And this is the case of facial hair, in which we have face packs, creams and all. So thank you for all. Thank you for listening. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all the panis of Nizamia General Hospital and Nizamia General Tibia College. My dearest lecturers and professors, a very, very warm welcome to you all. It's a great pleasure for me to stand in front of you today and to give my opinion and lecture regarding the PCOD and its Yunani treatment. PCOD, so basically it is a multi-systemic
endocrinopathies in women of reproductive age with various metabolic disturbances, specially related to hypersecretion of androgens, which is called hyperandrogenism, various menstrual disturbances, and obesity. It is also known as teen level syndrome, and another known name is polycystic ovarian disease. Now let me tell you about the etiology, about the genetic component, the obesity, and the insulin resistance, and mild inflammation in the ovaries, the hypoandrogenism, the lifestyle changes, which includes the diet, stress. Genetic component, which is responsible for the autosomal dominant and the gene mutation. Then we have got the obesity, wherein the BMI is more than 30 in the females. They usually get affected with the PCOS. And then obesity, the adipose tissues, therein the leptin, the adiponopectin, the cytokines, they all interfere with the insulin pathway. And again, indirectly, they make the females in obese. Then there is insulin resistance seen in the PCOS females. Then mild inflammation in the ovaries, increase in the androgens production. And there is also effects of lifestyle changes like the diet and the stress. Then let me go to the pathogenesis, wherein the hyperandrogenism, which is mainly responsible for the hirsutism, that is the facial hair, and mainly the female have the appearance of male beard and appearance of the in the male pattern. Then it also alters the lipid profile, wherein the LDL increases and the HDL decreases, due to which the peripheral aromatism of androgens increases the estrogens, and they have a positive feedback on the luteinizing hormone, thereby increasing it, and a negative feedback on the follicular stimulating hormone, decreasing it. In normal conditions, the LH and FSH ratio is 1:2, and in PCOD patients, the ratio will be reversed, that is 2:1 or more than 2:1. And ultimately, the increased LH activates the theca cells in the ovaries, which again form more and more androgens, specifically the testosterone. In normal females, these testosterones are converted into the estrogens by the granulosa cells, and the granulosa cells are activated by the FSH. As we have seen in PCOD females, the FSH is decreased and the cells are not activated, so the androgens are basically increased in clinical or diagnostic findings. In certain obese persons, the adipose tissue will be secreting aromatase. This aromatase will be converting this increased testosterone into the estrogens. So in such females, androgens as well as estrogens will be increased. Thus, it can lead to endometrial hypoplasia. Now let us come to the symptoms. You can have the PCOD patients, they mainly have the symptoms of amenorrhea or oligomenorrhea, hirsutism, acne, and there are a lot of metabolic syndromes, which is increase in insulin that is resulting in the android obesity, that is the waist to hip ratio is increased, and the stomach is android in type. There can be hyperpigmentation on the skin around the neck, axilla, and below the breast, called as acanthosis nigricans. This is an earlier characteristics of diabetes mellitus. Also in such females, there will be a complaint of infertility. Now let us come to the diagnosis, which is called as Rotterdam criteria. If you have 2 out of 3 positive, then the patient surely is a polycystic ovarian patient. First, we will have an ovulatory dysfunctioning. That is, the patient may have amenorrhea or oligomenorrhea. Otherwise, the hyperandrogenism, which is hirsutism and acne. Then polycystic ovaries, you can have it on ultrasonography. There may be 12 or more follicles, which is of size of 2 to 9 mm. Then if you come to do hormones, there are increase in hormones like androgens in the patients of polycystic ovaries.
They have the LH increase, the estrogen is increased, the insulin, LDL, thereby increasing the cholesterol, which ultimately results into the obesity of the patient. Then there is a decrease in hormones such as the follicular stimulating hormone, the progesterone, the sex hormones, and the binding globulin. Now if you see to the treatment in the modern type, we have, if you have the irregular periods, they usually prescribe the OC pills, and this is not to be explained like obesity, wherein you have to change the lifestyles. Then insulin resistance, where usually you have got the metformin given. In hirsutism, then again they prescribe OCPs with ciprotirone acetate added. Then the managing of infertility, which is an anovulation factor, is very important. Now let me come to the Yunani literature about PCOD. Now this is Rishaye Kazib Khusyatur Raham. ये मर्ज आमतौर पर बालिग गैर शादीशुदा लड़कियों और शादीशुदा औरतों में पाया जाता है. इसमें खुशियतुर रहम के बैरूनी सतह पर गैर मामूली झिल्ली का पैदा होना है, जो खुशियतुर रहम के इल्तिहाब मुजमिन का नतीजा होता है, जबकि मरीज़ा एक मुद्दत तक खफीफ तकलीफ़ पर बर्दाश्त करके इलाज से गाफिल रहती है. ये मर्ज आमतौर पर पोशीदा तौर पर ही शुरू होता है, और ये मर्ज इस कदर पोशीदा तौर पर शुरू होता है कि इब्तिदा में मरीज़ा अपने पेड़ों में उभार सा महसूस करती है और एतबा से हैज की शिकायत भी होती है. इस मर्ज में खुशियतुर रहम के ख़ास गिलाफ में रखीक सफ़ेद या खदरे सुरखी मायल चिपकावदार पानी जमा हो जाता है, और खुशियतुर रहम का गिलाफ एक पानी से भरी हुई तहली की तरह हो जाता है. फिर रफ्ता रफ्ता वो आबेला इस कदर बढ़ जाता है कि जौफ़ आना में ऊँचा होकर खौफ जौफ़ छिकम में जा पहुँचता है, और मरीज़ा का शिकम हामिला की तरह या इस्तस्खा वाले की तरह बढ़ा हुआ महसूस होता है. मरीज़ा का वज़न दिन ब दिन इजाफा हो जाता है. चेहरे पर मर्दाना शक्ल के बाल आना शुरू हो जाते हैं. चेहरे पर बुसूर नमोदार हो जाते हैं, और जिल की रंगत किसी कदर स्याही मायल सी हो जाती है. अक्सर मरीज़ चिड़चिड़े से हो जाते हैं. अब इसके असबाब, खिलत फासदा का गलबा, यानी रहम के मिजाज में गर्मी, सर्दी या खुश्की का गलबा होना, आराम व आयश की ज़िंदगी का गुजारना, मुरगन गज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, कसरत गम व गुस्सा, वर्म रहम या वर्म खुशियतुर रहम, फहश तस्वीर देखना और फहश लिटरेचर का मुतालबा वगैरह. इलाज, वर्म को तहलील करने वाली अदविया. यहाँ ज़्यादा वर्म रहम और वर्म खुशियतुर रहम का दखल है, इसलिए वर्म को तहलील करने वाली अदविया का इस्तेमाल करने ज़्यादा ज़रूरत है. और रियाजत और गर्म हमाम कराएं ताकि ओबेसिटी कम हो जाए. वर्म रहम व खुशियतुर रहम के इजाले के बाद तहरीक व इदरार के लिए जोशांदा इस्तेमाल कराएँ. शादीशुदा औरतों को अंदरूनी तौर पर चंद यौम हमूल दें, जो और पेड़ों पर दाखिल उनकी पट्टी भी डालें. मोहल्लात में ख़ास तौर से जो जोशांदा दिया जाता है, गुले टीसू, बरग गौ ज़बान, उस्तखुद्दूस वगैरह इस्तेमाल कराएं. जो अय्याम हैज के पहले दिन से शुरू की जाती हैं और 10 दिन तक जी जाएं, ताकि वर्म तहलील होकर मरीज़ा को आराम आ जाए. और मुरक्कबात जैसे माजून दबीदुलवर्द, इत्रीफिल गदूदी जैसी मुरक्कब दवाएं इस्तेमाल कराएं, जो मोहल्ले और आम अहशा व रहम हैं. मुखवीबा अद्वियात जैसे मूसली सियाह व सफ़ेद, सालब मिस्री, तूदरी सुर्ख, बैमन सुर्ख व सफ़ेद, और सफूफ की शक्ल में इसके इस्तेमाल में लाई जाएं. और ये महवा आपके अय्याम हैज के पाँचवें दिन से शुरू कर तकरीबन 20 दिन तक दी जाती हैं, ताकि बैज़े को तख़वियत मिले और वो वर्म से वो बैज़ा तख़वियत हासिल करने के बाद फर्टिलिटी के लिए तैयार हो जाए, कंसेप्शन के लिए तैयार हो जाए. बाबुना, नाखुना, मकुए खुश्क, तुख्मे कासनी, कचनार गोगुल, असले सूस, ये तमाम 3-3 ग्राम में
सुफूफ की शक्ल में दिए जाते हैं तकरीबन अय्याम हैज़ के अख्तिताम के बाद से फिर माह के अख्तिताम तक तकरीबन 2 से 3 महीने देने से इसमें इफाक़ा हो जाता है। और एक नुस्खा जैसे दमासा, कलौंजी, तुख्म सरस, तुख्म मेथी, मगज़ तुख्म नीम, इन तमाम को सुफूफ के शक्ल में दी जानी चाहिए या कैप्सूल भर कर इनके दे जा सकते हैं और सुबह व शाम फरागत हैज़ के बाद दें। रिक्वेस्ट डॉक्टर तनवीर मुमताज़ मैम, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिबिया कॉलेज, टू फेलिसिटेट सिद्रा फातिमा। एंड इसके बाद में मोहतरमा डॉक्टर गौसिया तवस्सुम, PhD स्कॉलर जामिया मिल्ला इस्लामिया न्यू दिल्ली को मधु करती हूँ कि वो इवेल्यूशन ऑफ एंटी डायबिटिक एक्टिविटी ऑफ सुफूफ ज़ियाबतीस दुलाबी अगेंस्ट मेलफॉर्मिन एंड इन स्ट्रिप्टोज़ोटोसिन इंक्लूडेड डायबिटिक रैट्स के बारे में तफसीली वजाहत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर्स एंड द मोस्ट वैल्यूड स्पेशल इन्वाइटीज, my beloved lecturers, all seniors, juniors and dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I Dr. Ghausia Tabassum, PhD scholar from Jamia Millia Islamia, going to present my topic on evaluation of anti-diabetic activity of Unani formulation Sufuf Ziyabatis Dolabi against metformin in streptozotocin induced diabetic rats. Diabetes mellitus is a metabolic disease characterized by hyperglycemia resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. The chronic hyperglycemia of diabetes is associated with long-term damage, dysfunction, and failure of different organs, especially the eyes, kidneys, nerves, heart, and blood vessel, causing retinopathy, nephropathy, neuropathy, cardiomyopathy, and angiopathy. In Unani medicine, diabetes has been mentioned with different names like Ziyabatis, Dolabia, Zalakhul Majari, Zalakhul Bol, Zalakhul Kulya, Davaria, Mu'attisha, Atsha, Parkar, Parkaria. Ziyabatis har is mentioned in most of the Unani classical literature like Al-Khanun Fit-Tib, Kamilus Sana, Al-Hawi. According to Ibn Sina, Ziyabatis har or Ziyabatis shakri is a disease in which the water which is consumed by the patient is passed out through the kidneys immediately after the intake. It is similar to Zalakhul Meda wa Ama, in which the food passes rapidly through the stomach and intestine without proper digestion. Alama Nafi is defined Ziyabatis har mentioned in ancient Unani literature are Zuban, emaciation of the body, which develops due to excessive dehydration of the body, which cannot be overcome by intake of water, collapse of sexual functions, diabetic gangrene, and general debility. Study rationale, the need for this study. We know the worldwide prevalence of diabetes was estimated to 425 million in 2017, and by 2045, it will raise to 629 million. It is usually affecting the age group from 20 to 79 years. India alone has 72.9 million and in the China it is 114.4 million. 1 in 2 people with diabetes are undiagnosed. About 79 people with diabetes lives in low and middle income countries. The diabetes related health expenditure is exceeding from $727 billion in 2017 to $776 billion by 2045. This much expenditure behind the diabetes mellitus. So this is the disease that to be addressed. It is a non-communicable disease which need a proper screening and preventive methods. Every 6 seconds, a person dies with diabetes, and it accounts for 5 million annual deaths. We have seen the epidemiological studies. It is a global pandemic which has created an enormous burden on society with regard to morbidity, mortality, and healthcare expenditures.
In spite of good number of drugs developed by the modern system of medicine, there are many clinical issues which are still to be addressed, like effective control on the function of pancreas, insulin resistance, and diabetes-related complications. These drugs are known to maintain blood glucose level to the normal level, but do not prevent the complications related to diabetes. Further, the use of these modern drugs are associated with various adverse effects. Yunani system of medicine claims to possess a number of cost-effective, safe, compound and single drugs that can be used in the management of diabetes mellitus. After review of Yunani literature as well as recent analytical data, a compound Yunani formulation known as Sufufes diabetes dolabi is selected for this study. Sufufes diabetes dolabi is a polyherbal Yunani preparation which is widely prescribed for diabetes sadir. It is mentioned in the literature that it is specifically used for diabetes mellitus and zofaculia, weakness of the kidney. The beta-cetosterol, it is a chemical, a phytosterol, which is present in all the ingredients of Sufufes diabetes dolabi, which is known to have hypolipidemic, cholesterol-lowering, anti-cancerous, immunomodulatory and anti-diabetic properties. The current study is taken for the first time and is considered as the assessment of the scientific validity of an age-old, time-tested Yunani pharmacopoeial formulation in diabetes mellitus. Our aim is to evaluate the anti-diabetic activity of Yunani compound formulation, that is Sufufes diabetes dolabi, against metformin in streptozotocin-induced diabetic rat. It is a preclinical study developed with objectives to develop evidence-based medicine in the treatment of diabetes mellitus. The purpose of this study is to determine the effect of Yunani formulation on biochemical parameters in Vistar albino rats against streptozotocin-induced diabetic model. And the thing is that we will assess the diabetes mellitus through the body weight of animals, blood glucose level and HbA1c, which is the standard gold biochemical parameter for detection of diabetes. And the parameters for safety assessment is done through the liver profile, that is liver function test. Materials and methods. First, the composition of diabetes, Sufufes diabetes dolabi. This formula is mentioned in Kharabadin-e-Azam-u-Akmal and National Formulary of Yunani Medicine. It includes Poste-Andrune-Darakhte-Guler, Gile-Armani, Gulnar-Farsi, Dana Anar Shirin, Maghze Tukhme Amba, Amla, Kishnis Khushk. Poste Andrune Darakhte Guler. The scientific name, botanical name is Ficus racemosalin. The parts which we use is the inner stem bark and it is used in Atishik. And the chemical constituents are glonol acetate, beta cetosterol, and others. And the reported scientific activities which are reported in this stem bark are hypoglycemic effect. It is known to have hypoprotective, hypolipidemic, renal anti-carcinogenic, antioxidant, wound healing, antibacterial activity, antifungal activity, anti-diarrheal, anti-diuretic, anti-inflammatory, anti-helminthic, anti-inflammatory activity. Beside this, it is analgesic, larvicidal, antitussive, anticholinesterase and antipyretic. So these are the one single drug has this much potency and it is multifaceted in its function. The other is Gile-Armani. It is the Bole Arminia rubra, silicate of aluminium, magnesia and oxide of iron. The actions are Habisuddam, it is Mujaffif, Mufarrib Mukhawiyakhal, Dafe Huma, Dafe Ta'afun. The scientific reports about this particular drug is that it is known to be a refrigerant, astringent, absorbent, antiseptic, antipyretic, and hemostatic. Gulnar Farsi, Punica Granata Lim, we are using the flowers, and it is known to have Habis Mujaffif, Habisuddam, Rade Mukhawiyah Sanun, Lasa, Mukhawiyah Azai Raisa, Mudammil, and Khatil-e-Didane Ama activity.
The chemical constituents are gallic acid, ursolic acid, terpenoids, including maslinic acid and Asiatic acid. The scientific reports of Gulnar Farsi is that it known to have anti-diabetic and hypolipidemic effect. Magze Tukhme Amba, we are using the seeds of Mangifera indica. It contains mangiferin, isomangiferin, tannins, gallic acid, coumarin, caffeic acid, valine and mangiferin, ferulic acid, cinnamic acid, cetosterol and tocopherols. It is known to have anti-diabetic activity, anti-diarrheal, anti-inflammatory, antimicrobial, analgesic and anti-inflammatory activity. Amla, Philanthus emblica, we are using the fruits and it is known to have Mukhaviyeh Azae Raisa, Mukhaviyeh Meda, Khabis, Musakkine Safra wa Khoon and Mukhaviyeh Chashm. The chemical constituents are epigenin, gallic acid, ellagic acid, chebulinic acid, quercetin, isostrictinin, methylgalate, leotiolin, embelican A and embelicanin B. The known reports of amla or Philanthus emblica is that it is anti-diabetic and we know that it is a very potent antioxidant. It is known to have hypolipidemic, gastroprotective, hepatoprotective, immunomodulating activity, anti-diarrheal, antitussive, anti-pyretic and analgesic activity. Beside this, it is antimicrobial, anti-tumor, adaptogenic, anti-proliferative activity, apoptotic and anti-ulcerogenic and wound healing properties. So these are the Yunani drugs. A single drug is having so much potential. It can be used in cancer, it can be used as an antioxidant, it can be used to control the fever as antipyretic, as analgesic, as bacteriostatic. And the other drug is Kishnis Khushk. We are using the fruits. It has Musakkin, Mufarrib, Mukhaviyeh Khalb-o-Dimagh, Mukhaviyeh Meda and Dafeh Tabkhir. The chemical constituents of Kishnis Khushk are linalool, gamma terpenin, camphor, grenyl acetate, etc. The scientific reports about the Kishnis Khushk are, it is known to have anti-diabetic properties, it is antioxidant, hepatoprotective, antibacterial, antifungal, sedative, hypnotic, anti-convulsant, diuretic, hypolipidemic, anti-cancerous, anti-anxiety activity, anti-protozoal activity, gastric mucosal protective activity, post-coital anti-infertility activity, anti-helminthic activity and anti-mutagenic activity. So these are the drugs, Yunani drugs, which are there in Sufufe Ziyabatis Dolabi. These are the constituents and each and every drug is known to have potent anti-diabetic activity. The animal study is approved by the ethical committee and the animals were maintained under standard control laboratory condition with 12 hours light, 12 hours dark cycle with temperature of 25 plus or minus 1 degree centigrade with relative humidity 45% to 55% with free access to standard rodent pellet and water ad libitum. We have done the acute oral toxicity test and for that healthy adult Vistar albino rats of weight 200 to 250 grams were subjected to acute toxicity study and it was approved by the Organization for Economic Cooperation and Development and the rats were observed continuously for 4 hours for their behavior, neurological autonomic profiles and for any lethality or death for next 48 hours. And after that they were observed for 14 days but there was no evident toxicity observed in the rats and there was no death reported. So it is a safe drug with no adverse effect and no toxic effect. The equipments are this one and the diagnostic kits are HbA1c kits and liver function tests. The standard drug to which we compared is the metformin 500 mg. The drug administration, we have given the aqueous extract of the drug orally through intragastric tube at respective doses. Calculation of the dose was done using dose conversion factor for 6 rat per unit and that counts for 10 mg per kg of body weight. Blood samples were collected from retroorbital plexus at week 1, 4 and 8. And blood glucose level were estimated by GOD and POD method.
division of groups. The study were conducted on 30 Vistar albino male rats weighing 150 to 200 gram, randomly divided into 5 groups containing 6 rats each for a period of 8 weeks. Induction of diabetes was done by streptozotocin 55 mg per kg by intraperitoneal administration. You can see that intraperitoneal administration of streptozotocin is done. After 3 days of administration of streptozotocin, plasma glucose levels were checked, and the animals with plasma glucose more than 250 mg per dl were selected for the study. Group 1 is the normal one, group 2 negative control, group 3 is the standard metformin, group 4 is the test group, that is Sufufis yabatis dolabi in a dosage of 200, group 5 is the test group 2 where the Sufufis yabatis dolabi is given in a dosage of 400 mg per kg body weight. Now this is the division of the groups. We have seen that group 1 is normal control, group 2 is negative control to which no medicine is given, and group 3 is standard to which metformin is given, and group 4 and 5 is streptozotocin in a dosage of 200 and 400 mg per kg body weight respectively given to the group 4 and 5. The parameters for assessment of diabetes is done through the body weight of the animals, blood glucose level and HbA1c, and the parameters for safety assessment is done through the liver function test assessing the serum bilirubin levels, SGOT, SGPT and alkaline phosphatase levels. Results and discussion. Statistical analysis were done and the all values are expressed as mean of SEM, standard arithmetic deviation, that is with sample size n equal to 6, one-way ANOVA and Dennett test was done, and it is observed that decrease in blood glucose level in group 4 and 5, that is Sufufis yabatis dolabi group, is statistically significant when p-value is less than 0.05 in the bottom, and with degeneration of cells. It is without any medication, so it is showing odd deteriorated conditions where the SNR pancreas cells, only SNR cells are normal, but the beta cell islets are showing apoptosis. The standard pancreas showing the with metformin showing hypertrophy of islets of pancreas and proliferation of beta cells. Multifocal inflammation is observed with metformin. SNR cells in pancreas appear normal and ductular cells appears normal. In test group 1 and test group, hypertrophy of islets of pancreas with hyperplasia and proliferation of beta cells. Sorry for the interruption. We have our chief guest with us right now. I request Dr. M.A. Farooqi sir, Principal Government Nizamia Tibia College, Additional Director, Department of Ayush, to please come on the dais. National Urdu University. I request you, ma'am, to please come on the dais. I request Dr. Samina Begum, ma'am, AIMIM Corporator, Kurmagura Division. I request you, ma'am, to please come on the dais. Dr. Sayyida Khadir Unisa, ma'am, Assistant Director Yunani, NRIUM, SD. I request you, ma'am, to please come on the dais. Khutsia, ma'am, HOD, Associate Professor, Department of Qabalat wa Niswan, Government Nizamia Tibia College. I request you, ma'am, to please come on the dais. A. Suhasni, ma'am, Assistant Research Officer, Research Department, and Assistant Professor, Nizamia Tibia College. I request you, ma'am, to please come on the dais. Chief Consultant Physician at Al Azizia Hospital. I request you, ma'am, to please come on the dais. Ashraf, ma'am, Chief Consultant Physician, Awami Dawakhana Yunani Hospital and Research Center, as well as Associate Professor, Department of Jildwat Tazeeniyat. I request you, ma'am, to please come on the dais. Dr. S.G.V. Satya, ma'am, Managing Director, Satya Yunani Group, Chief Consultant, Physician of Satya Yunani Healthcare, National Vice President of AIUTC, Women's Wing, and Founder Trustee of Satya Foundation. I request you, ma'am, to please come on the dais. Infertility Center, Consultant Fertility Counselor. I request you, ma'am, to please come on the dais. COE, Saida Siraj Yunani Super Speciality Hospital, located at Tolichoki. I request you, ma'am, to please come on the dais. We continue with the paper presentation. Hypertrophy and hyperplasia of islets of Langerhans because of the metformin, but there was diffuse multifocal inflammation seen. And now the test group, test 1 and test group. In test 1 group, we have seen that there is hypertrophy of islets of pancreas,
with hyperplasia and proliferation of beta cells. SNR cells appear normal and beta cells are normal. With low doses, low dose that is 200 mg per kg body weight, these are the changes that is seen in the pancreas. And with 400 mg, there is normal islets and beta cells, normal ductular pancreas cells, SNR cells are normal. There is hypertrophy and hyperplasia and proliferation of beta cells and islets of Langerhans. So this is the scientific evidence which shows the efficacy and the safety. Thanks to all of you. These are the references. Jazakallahu khair. Allah Hafiz. To please come on the dais. I request our Vice President, Dr. Ghausia Tabassum, PhD scholar, Jamia Millia Islamia, New Delhi. I request you to please come on the dais. Dr. Asma Sultana, ma'am, MD, Department of Mahiyatul Amraz. I request you, ma'am, to please come on the dais. I'm in Nizamia General Hospital ko daawat deti hoon ke wo Alwatan Yunani Herbals par presentation pesh kare. अमतुल एराफ़ हुआ शबाब आया गुलों पर शबाब बरसाता हुआ शबाब आया बहार आते ही जहां में इनकलाब आया। मैं इस शेर के साथ आज के इस प्रोग्राम के असल रूह रवां जिन्होंने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को परवान चढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का आज़्म किया है, जिनकी शब रोज़ की अनथक कोशिशों व काविशों के बाद आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, इनसे मेरी मुराद मोहतरमा डॉक्टर असमा सुल्ताना साहिबा, MD Associate Professor, Department of Mahiyatul Amraz and General Secretary of Feminine Yunani Medical Organization. मैं डॉक्टर असमा मैडम से अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो वेलकम स्पीच पेश करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good afternoon to each and everyone present here. I am very much pleased to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest, Dr. Ehsan Farooqi, Principal Government Nizamia Tibbi College, Additional Director, Department of Ayush, Dr. Shahida Madam, Professor and HOD, Department of Women Education, Maulana Azad National Urdu University, our guest of honors, our respected special invitees, my dear students, parents, and dear colleagues. It gives me a great pleasure to officiate this seminar, an inaugural ceremony of FUMU, a feminine Yunani medical organization being run under the Society of Medivision, established way back in the year 2013, is a self-aided, non-government, and non profitable organization. The idea of FUMU was burning through our minds since 1 year, but due to certain circumstances and busy schedule, it came into its structure now with a vision of welfare and empowerment of female Yunani doctors. Few core female doctors holding the same vision and aim has blended their efforts together to enlighten the work of feminine gender and has come up in the form of FUMU. As you all are well aware, it is the feminine gender who bank most of the state and central ranks. It is we who get admissions in BUMS to max. It is we, the university toppers, gold medalists. But due to family life and certain restrictions from home, not every female doctor gather courage to get back to their career. We have moved back from leaders to spectaculars, from rankers to exclusively homemakers, though capable enough to hold both professional and personal life together. Very few are there who are contributing to the system, but off screen. There is no record of the contribution for upcoming year. There are many female Yunani physicians practicing the medicine with a remarkable results, but behind the curtains. This wealth is not being channeled to upcoming year. Though we are working, but never gave importance to all these things. We are so shy and saturated behind the curtains, we never want names and works to be projected over here.
It was the female Afghan scholar by name Sajida Begum Masjid who has laid down the foundation of Government Nizamia Tibia College way back in 1810. But when I browsed further over in internet, nothing much literature I found about her. Why? Why so? Why our works are not in records, though we are working equally with men? आप तारीख उठाकर देखिए, कहीं भी ख़वातीन हज़रात का या ख़वातीन अतिबा का जिक्र नहीं है. क्या उन्होंने कोई खिदमत अंजाम नहीं दिए? बट इट्स नेवर टू लेट. लेट्स मेक अ हिस्ट्री. लेट्स ब्लेंड द एनर्जी ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस ऑफ एल्डर्स टुगेदर. फॉर यूथ वी आर हियर टू हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड इम्प्रूव देयर प्रैक्टिस एंड स्किल्स थ्रू मेडिकल कैंप्स, CMAs, workshop and also by channeling them to various hospitals. But to elder section of Unani, it is my request to utilize your experiences in the form of intellectual input by investing your precious time with us. Inshallah, soon we are going to launch our own magazine, Suma Inshallah, which you can lead as a writer, and I think this will be a right media to channel your career experiences towards you. Your skills are unmatchable. You are the persons that can neither be replaced nor replicated. Your encouragement, encouraging personality inspires us to be like you. I hope we will take this opportunity, to establish networking and build bridges among us in order to attain a common goal. With this, I again express my gratitude towards the chief guest, guest of honors, our special, respected special invitees, parents, colleagues, friends, for contributing their precious time in making this seminar a reality. Welcome you all once again to this most awaited ceremony. Thank you. Thank you all. Ke ek aur ruhe rawa, Dr. Samia Shirin Sahiba, MD, Associate Professor, Department of Ilmul Adwiya and President of Feminine Yunani Medical Organization ko फेमिनिन यूनानी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बयान करने के लिए मदऊ करती हूँ डॉक्टर समिया शीरीन साहिबा. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष तेलंगाना, as well honorable chief guest Dr. Shahida Banu, professor and head in department of women education Maulana Azad National Urdu University, as well as respected guests of honors, my special invitees, my beloved teachers, colleagues, friends and dear students, I Dr. Samia Shirin welcome you all to the inaugural session of FUMO, that is Feminine Yunani Medical Organization. It gives me immense pleasure, as well as it takes a whole lot of courage to address such a gathering of intellectuals. It is indeed an encouragement and a privilege to have the honorable chief guests and all guests of honor and special invitees with us who are an authority in their respective fields. My heartfelt gratitude to all these eminent personalities to have accepted our invitation and to have taken out time out of your busy and valuable schedule to support this event. We members of FUMO take pride for being associated with you as your students. Your guiding and mentoring has helped us to shape our careers better, and today we are in a position to percolate and disseminate the same to our juniors and friends. We dedicate the formation of FUMO today to all our professors, teachers, seniors, friends and colleagues for their contribution towards the Yunani system of medicine. I would personally appreciate the efforts of Dr. Asma Sultana for being the driving force and brainchild of FUMO. We have many associations and organizations existing in our system, but this is the first time that we'll have an exclusive forum for the feminine group. Having more than 80% females in the Yunani fraternity, we feel FUMO platform can help better representation and connect with the community needs. To
today, FUMO has been started with a purpose to provide continuous education and learning platform and disseminate it with the concept of train the trainers. This purpose comes with a prime objective to help students, practitioners to gain confidence in practicing Unani medicine as it should be. Our vision is to increase adoption, trust, and affinity scientifically for Unani system of medicine in the community. To achieve our vision, the FUMO has the following aims and objectives. Yes, the aims and objectives are to foster or encourage the participation of Unani doctors in scientific research, teaching and learning, capacity building and leadership, and in various fields of research, including literary, fundamentals, pharmaceuticals, and clinicals, and also to enhance the core competency of Unani without compromising its fundamental principles and encouraging interdisciplinary research. To improve access to educational training and professional developmental opportunities by conducting continuing medical education and continuing personality development to enable students, Unani doctors, and faculty to update their research subject, and also promoting the concept of train the trainer so that mutual learning becomes the culture of the system. As well, to encourage young researchers to work on various areas of research for the development and promotion of Unani and providing guidance for monetary grants for scientific research proposals and projects. As well as also for the recognition and acknowledgement of services and scientific achievements of Unani female fraternity in specific, and to spread awareness in the community about the system and how we can impact their lifestyle and well-being with adoption of Unani system of medicine. To provide practice and system-based learning, improvement in interpersonal and communicational skills by promoting collaboration and communication among Unani doctors. To have periodical brainstorming sessions and debates among the practitioners on the innovations and ideas for community adoption on Unani medicine, as well as to generate employment for fresh practitioners and promoting health across the lifespan of people in all segments of population, also by conducting medical camps and health checkups, and to provide health, education, counseling, and treatment to the poor, deserving, and rural community, and also providing medical services and health care for elderly people and residents at different old age homes and orphanages. However, though the objectives are ambitious, but inshallah, our team is confident to achieve these milestones and create an effective impact in what we desire to achieve and make the Unanians proud. Your well wishes and prayers will certainly become a catalyst in our efforts and dedication to be the change we want to see. FUMO would like to thank everyone out here for the presence, support, and motivation which will be carried today as a beacon and stimulation towards the journey we started. My sincere thanks to all the dignitaries, teachers, and delegates for encouraging us. Thank you. Jazakallahu khair. Amtul Araf, intern, Government Nizamiya General Hospital, ko daawat deti hoon ke wo Alwatan Unani Herbals par presentation pesh kare. Amtul Araf. To one and all, I am Amtul Araf, house surgeon from Nizamiya General Hospital. I am here to introduce to our pharmacy Alwatan, the one of its kind. And with the increase in sedentary lifestyle, there is increase in diseases dealing with hormonal imbalance, which adds a cascading effect to other diseases as well. Keeping in mind the seriousness of situation and the need of medicine to eradicate the root cause of disease and maintain the well-being of entire body, Alwatan has come up with a package to deal with it smoothly. With the faith that Shifa comes from Allah subhanahu wa ta'ala and takes course through different forms,
The company has been formulating drugs and ensuring its contribution since 2001. There is a list of some medicines on which our medicines work: PCODs, hypothyroidism, hyperthyroidism, gastritis, diabetic foot, gangrene, menorrhagia, dysmenorrhea, and so on. The first is Migrim. Introducing to you is this unique capsule Migrim, which reduces the frequency and severity of migraine attacks. As we all know, there is no complete cure for migraine, as it is triggered by many inevident causes, including diet, hormonal disturbances, digestive problems, autoimmune disorders, mental stress, and lifestyle. Linalool, geraniol, thymol, derived from kishneez, possessing muhallil, musakkin, and mukhaviya dimagh properties, is used to relieve the chief symptoms of migraine. Ustakhudus from this composition acts as scavenger, expelling the phlegm and bile from brain, thereby alleviating the patient from excruciating headache caused by sinusitis accompanied with migraine. You can see the chart over here: migraine, sinusitis, migraine accompanied with joint pains, sleeplessness, and the response rate. The graph has been. The next is Aksir-e-Nayab. I want to say this is the elixir giving life to the weakened hearts, as this work on weak heart muscles, arrhythmia, low ventricular ejection fraction. Ejection fraction is said to be low when it's said to be low if it is below 65% or 55%. An allopathy treatment for this condition is a heart transplant or biventricular pacemaker. But nafekhas of zafran, one of the component present in this drug, does miraculous effect on ejection fraction. You can see the report over here. The ejection fraction here, the patient was having 26%, and within the duration of 3 months, it has increased up to 59%. It is said that the heart muscles doesn't recover, but I say this medicine is evidence against such claim. This drug continues doing its miracle even on gastrointestinal tract. One of the drug from this composition, Tukhme Soya, which is effective in cirrhosis of liver, gastric ulcers, gastritis, fatty livers. Please check out the graph and the response rate of the patients. The next is Renine-X. Hormones are important for regulating many different processes in the body, including appetite, metabolism, sleep cycle, reproductive cycle, temperature, and mood. No surprise that even a slightest imbalance have a noticeable effect. Post-e-Halila-e-Kalan, along with Tukhme-Kharbuza, which are the components of this medicine, acts as thyroid stimulator, thereby increasing the TSH level in hypothyroid patients. And Arjun Chal, along with Tukhme-Kharbuza, again acts as anti-hyperlipidemic therapy, thereby decreasing the LDL and triglycerides. You can see the reports over here. Thyroid was 60, TSH 60, and again, within the duration of 2 months, it has again come to the normal levels. The next is, this is triglycerides and LDL levels. Triglycerides, this is the duration of 3 months. In 3 months, the LDL and triglycerides level has come down. And there is one more patient record. This is the TSH level greater than 150. In four months duration, it has come to normal. That is 4 point. Now, the next is, I want to present Ceylan. Actually, it is Ceylan, but you know, to modify the name, it's as Ceylan. The name itself indicates that it has versatile effect on leukorrhea. Leukorrhea being a symptom is seen in diseases like cervicitis, vaginitis, and STDs. And Asgan, which is a component of this medicine, having
Mukhaviye Ba property and Mohallil property acts as chief ingredient, thereby reducing inflammation and irritation in, of cervix in diseases like gonorrhea and syphilis. Satawar present in this composition helps to increase prolactin levels, beneficial in lactating mothers. Graph over here, leucorrhea, vaginitis, you can see the response rate of leucorrhea, that the this result is 15 days duration. We have got this result in 15 days duration. Now fifth is wound X. This is a capsulated medicine which helps in healing diabetic wound. Our chief guest, Dr. Mohammed Ehsan Farooqi sir, principal, Government Nizamia Tibbi College, additional director, Department of Ayush. He has served as the medical officer in Nizamabad from 1991 to 1995, whereas he was appointed as the medical officer in Karimnagar from 1995 for consecutive 2 years. He was also the drug inspector, directorate, Department of Ayush at Abbott's in the year 1997 to 1999. In Jan 2000, he became the associate professor, Department of Surgery. He has done research on diabetic food and hijama. He was invited to USA, Kashmir, and Turkey for the purpose of presentation. ये एक ऐसी मायानास शख्सियत है जिनके हाथों में अल्लाह ने शिफा, ज़ुबान में तासीर और ज़हनी सलाहियत से भरपूर इल्म अमल के पैकर, दानिश व अक़ल के हसीन संगम, हमारे मुरव्वी व मुशफ़िक़ जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहा और हाज़िर हो गए। इनसे मेरी मुराद जनाब डॉक्टर एहसान फारूक़ी सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज एंड एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। मैं इस शेर के साथ सर को ज़हमत सुखन देती हूँ कि वह अपने मवाइज़ हसना से हम सबको गोश गुजार फरमाएँ। तेरी आमद से हर शय चमकदार लगे हैं, तेरी आमद से हर शय चमकदार लगे हैं, ये बज़्म ये महफिल गुले गुलजार लगे हैं। डॉक्टर एहसान फारूक़ी सर रसूल करीम अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ टीचर्स जो कि सामने की रो में मौजूद हैं, एहतरामन पहले सलाम मैं उन्हीं पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे साथी प्रोफेसर्स, रिटायर्ड टीचर्स, फैकल्टीज, डिग्निटरीज ऑफ द डायस एंड डॉक्टर अशरफ CCI मेंबर और उनकी फैमिली जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज एक बात महसूस कर रहा हूँ कि मतलब कि एडी अगर लेडी हो तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर काफ़ी खुशी महसूस हुई कि देर आयत दुरुस्त आयत के लेडी यूनानी फैकल्टीज़ और यूनानी डॉक्टर्स में एक ऐसा जज्बा आया जिसे मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मैं काफ़ी मेरे अपने स्टूडेंट्स में मैं अक्सर ये बात ज़रूर पेश करता हूँ कि मतलब कि हमारी जो यूनानी जो फैकल्टीज़ हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसका कैनवास ये बहुत बड़ा है। आपने कभी नहीं सुना एक MBBS डॉक्टर को रिसर्च करते हुए, आपने कभी नहीं सुना कि एक MBBS डॉक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ईजाद की दवा बनाने की, आपने कभी नहीं सुना कि कोई सर्जन ने कोई नया प्रोसीजर निकाला हो, लेकिन आपने ज़रूर सुना कि यूनानी डॉक्टर ने नया फार्मूला ईजाद किया। अब जितने भी स्टार्स मौजूद हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ सकता हूँ कि हर एक के अंदर एक खूबी है और हर एक के अंदर काम करने की ख्वाहिश है, हर एक के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है और हर एक के अंदर आने वाले सिस्टम की में एक स्टार बनने का ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश आप लोगों को यहाँ पर लेकर आई। ऑब्वियसली इतने बड़े हॉल के अंदर
100-150 का जो मजमुआ है वो बेशक कम नज़र आता है, लेकिन एक बात याद रख लें कि ट्रेन के अंदर जो जनरल बोगी होती है ना वो भरी हुई होती है, लेकिन जो एसी का जो कोच होता है ना उसके अंदर लोग कम आते हैं। और आप लोग जो है ना वो सेलेक्टेड हैं जो कि आगे बढ़ेंगे। और देख लेना ये दिन, मैं मेरे जो वर्ड्स हैं उसको आप 100% पॉजिटिवली पाएंगे इंशाल्लाह, कि आप में से हर आदमी चाहे वो फ्रंट बेंचर हो या बैक बेंचर हो ज़रूर आगे जाएगा। एक चीज़ ये है कि मतलब कि मैं शायद आज फर्स्ट है तो मेरा 57th डे है एज ए प्रिंसिपल, इंचार्ज प्रिंसिपल एज वेल एज इंचार्ज एडिशनल डायरेक्टर। एक चीज़ मैंने एक ख्वाहिश मेरे दिल में थी कि मतलब कि मैं अपने कॉलेज को चेंज करूं, एक कॉलेज का एटमॉस्फियर चेंज करूं, कॉलेज की टीचिंग स्टाइल चेंज करूं और कॉलेज के अंदर एक सफाई साफ़ सुथरापन महसूस हो, लोग आने के लिए खुशी महसूस करें। आपने 57 डेज के अंदर देख लिया है कि कॉलेज कितना चेंज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही है कि मतलब कि एक अकेला आदमी जब शुरू करता है कोई काम तो उसके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि आज हमारी हर फैकल्टी मेरे साथ है, हर टीचर मेरे साथ है, हर आदमी मेरे साथ है जो कि मेरे स्टर्न अपोजिट थे, मेरे मुखालिफ थे, उनका मुझे फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि फारूकी तूने बेहतर काम किया। हर सिस्टम के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यूनानी के अंदर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। यूनानी के अंदर एक ख़ास बात यह है कि आप डिफरेंट फॉर्मूलेज बना के अपना एक नुस्खा बनाते हैं। आज सबसे अहम ज़रूरत है उन क्रिएटिविटी की, आज इसलिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया अब यूनानी की तरफ देख रही है। आप जानते हैं कि 2020 शुरू हो चुका है, एक महीना भी ख़त्म हो चुका है, वी आर इन द सेकेंड मंथ ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ। और आपको पता है कि मतलब कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, और आपको पता है कि जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, और आपको पता है कि पूरी दुनिया अब आने वाले चंद दिनों में वायरल इन्फेक्शन की लपेट में आने वाली है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि 2011 में एक फिल्म बनी थी और उसके अंदर डिक्लेयर किया गया था एक वायरल इन्फेक्शन जो चाइना से शुरू होगा, और उसका नाम उन्होंने फिल्म में कोरोना वायरस रखा था, और ये चाइना से शुरू होकर हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान से होते सऊदी अरब से और सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैल जाएगा। और उसके अंदर बताया गया 2011 की इस पिक्चर के अंदर जो कि हॉलीवुड की पिक्चर थी, इसमें बताया गया कि ये कोरोना वायरस से कितने डेथ्स होने वाले हैं। और सुनकर ताज्जुब करेंगे कि आज 2020 है, जनवरी है, सेम इन्फेक्शन, सेम कोरोना वायरस एंड सेम थिंग इज हैपनिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी आर स्लीपिंग लॉट। अनफॉर्चुनेटली एक हमारा छोटा नुस्खा इंशाल्लाह सारी दुनिया पे हावी हो सकता है, और उसके अंदर सिर्फ 3 अज्जा है उसके अंदर, सत्य अजवाइन, सत्य पुदीना और काफूर। आपका प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है वो माने रखता है, अज्जा माने नहीं रखते। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मतलब कि मैंने एक छोटी सी चीज़ ये की, मतलब कि मेरे अपने साथी हैं आज यहाँ पर मौजूद भी हैं, और मैंने उनकी बात की और हमने सबसे पहले मीटिंग अरेंज कर दी, मैरिज अरेंज करके हमने नुस्खा दे दिया। उसके अंदर हमने ये किया कि त्रियाखे आज़म को हम ये करेंगे कि एंटी वायरल थेरेपी है यूनानी की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम पैकेजिंग में पैकिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 30,000 पेशेंट की दवा फ्री दी जाएगी इंशाल्लाह चारमीनार हॉस्पिटल से। हाउ वी आर प्रेजेंटिंग अवर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, अब मैं आपके अपनी क्लिनिक के मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद है जो क्लिनिक पर भी आ चुके हैं,
वो जानते हैं कि मतलब कि मेरे पास अलग अलग शीशियों में अलग अलग कलर के मेरे पास त्रियाखी आज़म होता है, एक लिक्विड होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है जो कि मैं सर के दर्द के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरी है कि उसी के अंदर पिंक कलर का एक मैं कलर डालता हूँ और उसको ये कहता हूँ कि ये साइनोसाइटिस के लिए होता है, और उसी के अंदर मैं क्या कहते हैं ग्रीन कलर का एक लिक्विड ऐड करता हूँ और उसी लिक्विड को मैं ये कहता हूँ कि ये जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस थिंग इज दैट मतलब कि हाउ आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने यूनानी सिस्टम को प्रेजेंट करने का जो प्रोसीजर है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत से लोग मेरी इस तकरीर से भी शायद मोस्ट प्रोबेबली जानते हैं कि मैंने पी फैक्टर के ऊपर एक बात कही थी, और पी फैक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्हाट यू कॉल डेवलपमेंट ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द ड्रग, प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग, प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग एंड पैकेजिंग प्रेजेंटेशन, और साथ आखिरी के जो पी आता है वो प्राइजिंग आता है। वी आर नॉट लेस देन एनीबडी इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट लेस देन एनीबडी इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट आफ्टर ऑल यूनानी, वी आर अबव ऑल यूनानी। एक MBBS डॉक्टर से आप उसको खुद्दूस बुलवा नहीं सकते, लिखना तो दूर की बात है, उसको त्रियाखे आजम क्या है पता नहीं उसको, लेकिन एक BMS डॉक्टर को एमिकैसिन पता है, पैरासिटामोल पता है, उसके साइड इफेक्ट पता है, एंटीबायोटिक पता है, और सर्जरी के पूरे प्रोसीजर पता है, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स पता है, सर्जरी कैसे की जाती है सब पता है, हु इज बेटर, हु इज बेटर? वी आर बेटर, वी आर बेटर। और बात साबित करो ना। और ये जो आप है ना, मतलब कि आप ये जो ये जो कौम है जो बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके वतन से मैं बड़े बड़े हकीम गुजरे हैं, पैदा हुए हैं, और ये जो कौम है ये आगे चल के रूल करने वाली है, आपने अपनी 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 वैल्यू जानी? अपनी वैल्यू जाने आप कभी? एक बात याद रख लीजिए, मतलब कि मेल डॉक्टर आता है तो वो डॉक्टर आ रहा बोलेंगे, और अगर फीमेल डॉक्टर आए तो डॉक्टर साहबा आ रही हैं। ये वैल्यू डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। एहतराम आपका ज्यादा होता है, हमारा नहीं होता, हमारे को तो हाथ में बगल में हाथ डाल के डॉक्टर पेशेंट निकल चले आता हमारे साथ। आपको कोई छीन सकता, आपके करीब आ सकता? आपने अपनी वैल्यू जानी नहीं ना। ये जो डिग्निटी है, ये जो पावर्स है, ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, अब आना जरूरी है, बिकॉज यू आर होल्डिंग ए बिग सिस्टम, ए यूनानी सिस्टम। ए यूनानी सिस्टम इज ए यूनानिमस चॉइस, यूनानी सिस्टम इज नथिंग बट ए यूनानिमस चॉइस। द होल वर्ल्ड विल कम टू यू, आपके पैरों के नीचे आएंगे ये लोग, आपकी सिलवटों में दुनिया रहेगी, आपकी आपके साथ उठेंगे बैठेंगे ये लोग, और आपकी रेस्पेक्ट पैदा होगी, और आने वाले चंद दहों तक इंशाल्लाह यूनानी रोल करेगा। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है और मेरा जज्बा है इंशाल्लाह। मैंने कहा था मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर हैदर रहमानी साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। मैं आपके सामने एक हल्फिया बयान लेना चाहता हूँ, और वो है कि मतलब कि यूनानी निज़ामिया तिब्बी कॉलेज विल बी रिमेम्बर्ड एज ऑक्सफोर्ड ऑफ यूनानी इंशाल्लाह। और हम ऑन दी वे चल चुके हैं, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला मदद कर रहा है, और ऐसे लोग मदद के आगे आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर आदमी अपना दिल खोल के मदद कर रहा है हम लोगों को। मैं डॉक्टर अलगू अरिशनी मैडम, जो कि हमारी कमिश्नर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, और वो ये चाहती हैं कि मतलब कि एहसन फारूकी, मैंने तुम्हें चांस दिया है, इसलिए दिया है कि तुम निज़ामी तिब्बी कॉलेज की तारीख बदल सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम आप लोगों का है, मैं अपनी बातें करना शुरू कर दी। मैं अपनी क्या कहता हूँ कि इस तंजीम की बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये बहुत आगे जाने वाले लोग हैं, बहुत से लोग जुड़ेंगे इसके अंदर, बहुत सी बातें होंगी उसके अंदर, बहुत से सेमिनार्स होंगे, और बहुत से क्या कहते हैं रिसर्च प्रपोजल्स आगे आएंगे इंशाल्लाह। एक बात याद रख लेंगे, मतलब कि आप अगर अपनी कम्यूनिटी को भी देख लें,
यानी अपनी कम्युनिटी के माने कि लेडीज़ को भी आप खुश देख लें तो देर आर सो मेनी डिसऑर्डर्स जहाँ के हमें काम करना है, जैसे थायराइड है, जैसे ओबेसिटी है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे PCOS है, जैसे इनफर्टिलिटी है, देर आर सो मेनी डिसीजेज जिसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है और एक ऑथेंटिक वे के अंदर रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह। आई एम ऑलवेज विथ यू, आप जब भी आएंगे, जब भी पुकारेंगे मैं इंशाल्लाह सामने रहूँगा और मैं इस जज्बे की कदर करता हूँ और इस जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप लोग आगे आ चुके हैं और इंशाल्लाह ये जो कारवां है यकीनी तौर पर चलेगा, यकीनी तौर पर कामयाब रहेगा, यकीनी तौर पर लीड करेगा और ये कारवां इंशाल्लाह मर्दों की शाना बशाना चलेगा और लीड कर कर बताएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर, आपकी ज़र्रा नवाजी और हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम आपकी नसीहतों पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हो गर अज़्म मुसम्मम तो मंजिलें मिल ही जाती हैं, हो गर अज़्म मुसम्मम तो मंजिलें मिल ही जाती हैं, मुकद्दर जग मगाता है तमन्ना रंग लाती है। Our next chief guest is Dr. Shahida Murtaza ma'am, professor and head in department of women education, Maulana Azad National Urdu University. She has served in 4 universities as a researcher as well as a teacher. She has actively been involved in gender issues. She has keen interest in Muslim women's status and trying to gauge the difference between the text and the reality. She has the credit to 3 books and participated at various international forums held at Montreal, Canada, Madrid, Bonn, Berlin, US, etc. She had produced good number of PhD students and has several scholars under her guidance. She has also served as the dean, joint proctor and has chaired the committee. Meri anjuman ka bahara tum hi se hai. Mohtarma Dr. Shahida Madam Sahiba, Professor and Head in Department of Women Education, Health and Research Methodology, Maulana Azad National University se, main bahut deewana iltimas karti hoon ki woh apni qeemti baaton se hum sabko mustafeed farmaye. Dais pe tashreef farma Farooqi sahab aur tamam invitees, mehmanane khususi aur tamam shurka, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक अस्मा, डॉक्टर अस्मा, फॉर हैविंग एक्सटेंडेड दिस इनविटेशन टू मी। आई वाज फीलिंग इनिशियली अ पर्सन, यू नो, ऑड पर्सन इन दिस कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम यूनानी मेडिसिन, बट at the end of the day I'm finding really it is so informative. I'll be going as a rich person to that extent, enriching myself with the knowledge of Yunani medicine, which can be of great use to my day to day life, which really helps us build our health what you call parameters, keep it up in a better way. मैं शुक्रगुजार हूँ गौसिया तबस्सुम की, जिन्होंने शायद मेरा तारुफ कराया अस्मा से, जिसकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। फारूखी साहब शायद देर से तशरीफ़ लाए, या शायद कंडीशन था कि मर्द हजरात ना हो। जब ये बच्चियों ने अपने पेपर प्रेजेंट किए, यकीन करिए इट वाज सो इम्पॉर्टेंट। PCOD पे ले लीजिएगा आप, डायबिटिक पे ले लीजिएगा, और पहला पेपर शायद अबाउट सम वजाइनल ब्लीडिंग और वट एवर द वेमेनली प्रॉब्लम इट वॉज, ऑल पेपर्स वर फंटेस्टिकली यू नो प्रेजेंटेड। आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन वॉट वे यूनानी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। आई एम श्योर फारूख साहब के रहते यहाँ पर बहुत कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। मेरा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ यूनानी कॉलेज जाने का, तिबैया कॉलेज, लेकिन अब आपके बात करने के बाद मुझे लग रहा है रादर लॉन्जिंग टू कम एंड विजिट योर कॉलेज, बिकॉज हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, उनका जो स्टेटस होता है वो जिस तरह अपने
प्रोडक्ट्स को पेश करते हैं, अपनी इंस्टीट्यूट को पेश करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, बहुत फ़र्क पड़ता है। अब तक हमें जो न्यूज़ मिलती रहती थी कि भाई दैट रिक्वायर्स अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, कुछ है नहीं, मर रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, हमाम खाने बंद हो गए, मेडिसिंस नहीं है, अपॉइंटमेंट होके शायद 20-25 साल हो रहे हैं। तो आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग कि आई डोंट वॉन्ट टू मेक ए पोलिटिकल स्टेटमेंट करेक्ट और अनकरेक्ट हियर, कि हमारे मुस्लिम लीडर्स क्या कर रहे हैं। उन्हें पेशरफ्त होना चाहिए, उन्हें चाहिए कि इस इंस्टीट्यूट की इज़्ज़त को बरकरार रखें, रिवाइव करें और इसको हैदराबाद की एक निशानी, यू नो, ऐसा मिसाल कायम करें यहाँ के इस कॉलेज को जिसको दुनिया देखती रहे। ये बहुत उम्मीद थी, इसलिए कि दक्कन के लिए बहुत ही मैटर ऑफ प्राइड है कि वी हैव ए यूनानी कॉलेज एंड ओल्ड सिटी चारमीनार वाज नोन फॉर इट। यू नो, इक्वली इम्पॉर्टेंट था कि भाई यूनानी कॉलेज वहाँ है, चारमीनार वहीं है, लेकिन आज इसकी जो कसमपुरसी की कहानियाँ हम सुनते थे, आज मुझे दूसरा नरेटिव मिला और मुझे खुशी है कि ये बहुत अच्छे हाथों में गया है कॉलेज। इंशाल्लाह इसमें दिन ब दिन तरक्की होगी। और मैंने कहा कि यूनानी को, मेडिसिन को दूसरों से भी जुड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी कई सालों से सोच रही है, शायद ज़मीन के कम होने के वजह से ये शुरू नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि 200 कुछ ज़मीन हमें आउटर रिंग रोड के लिए देना पड़ा। आई जस्ट डोंट नो, आई एक्सपेक्ट फारूकी साहब टू रियली इनिशिएट दिस अगेन। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात जितनी हो सकी मैं करूँ और इस बात को फ्लोट करूँ कि हम इनसे जुड़ जाएँ, आप हमसे जुड़ें, इसलिए कि हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी उर्दू तबके को यू नो कैटर करती है। तो उर्दू और यूनानी मेडिसिन, इत्तेफाक है कि उर्दू जानने वाले काफ़ी अक्सरियत मुसलमान की होती है, ये मुसलमान की यूनिवर्सिटी नहीं है, उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कोई भी उर्दू जानने वाला वो आ सकता है। तो और मेडिसिन जैसे किसी एक मज़हब से जुड़ी भी नहीं रहना चाहिए, ना है ये मैं जानती हूँ, तो कोई भी आ सकता है और ज्वाइन कर सकता है। प्रमोशन ऑफ सच टाइप ऑफ मेडिसिन इज ऑलवेज एन अल्टरनेट टाइप ऑफ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन जैसे बोलेंगे हम, जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, विदाउट एनी बैड इफेक्ट्स, यू नो, ये बहुत कुछ हमें प्रमोट करना है इस चीज़ को, जो हमारी आबा अजदाद ने प्रैक्टिस की थी। बहुत कुछ काम होता था, इसी में इलाज होता था, लेकिन ज़माने के आते आते जो फास्ट पेस हम जा रहे हैं, ट्रीटमेंट का भी फास्ट पेस हो गया है। हम चाहते ओवरनाइट हमारा दर्द चले जाए, बीमारी चली जाए, भले से वो एंटीबायोटिक कितनी गलत और बीमारियों की आमाजगा बनाता है आपके जिस्म को, हम भूल जाते हैं। टेम्पररी होते हैं ये तमाम एलोपैथिक के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं। खैर बात रही यहाँ तक, मैं सबसे पहले अस्मा को मुझे एड्रेस करना था फॉर फ्यूमो। आपने डॉक्टर अस्मा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, हमें ख्वातीन की विजिबिलिटी को आम करना है, हमें ख्वातीन की जो भी कारहाय नुमायाँ उन्होंने अंजाम दी है उसको मंजर आम पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम फोकस करें ख्वातीन की कंट्रीब्यूशन को। उन्होंने जो जो भी कंट्रीब्यूशन किया है समाज के लिए, मेडिसिन के यू नो दायरे में और जिस भी दायरे में कर रहे हैं, और जो ख्वातीन चाहे वो घरेलू कामों में लगी हुई हो, वो भी मेरे लिए मर्द से बहुत ज़्यादा उनका दर्जा है। हमारी पता नहीं क्यों ख्वातीन अपने आप को मर्द के इक्वालिटी की बात करती हैं, हमें तो उनके इक्वल होना ही नहीं है, हम तो उनसे बहुत आगे हैं हम, क्यों आप इक्वालिटी की बात करते हैं? अपने आप को आप या अपने आप का एहतसाब करिए। आप जानते हैं एक दिन अगर मैं छुट्टी लेके पलंग पे पड़ जाऊँ तो घर का सारा मामला तहस नहस हो जाता है, ना हजरत को पता रहता है कि मिर्ची कहाँ है, शक्कर कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है, जबकि हम कमाते भी हैं, पैसा बचाते भी हैं, घर चलाते भी हैं, इनका भी इलाज कराते हैं, इनको भी लेके घूमते हैं, लेकिन कभी हम पड़ जाएँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, लेकिन अक्सरियत ये होती है कि मामला गड़बड़ हो जाता है, कि कांट प्ले ड्यूअल रोल। एंड ये सीने पे हाथ रख के बताइए, कोई भी मर्द ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम इक्वल एंड टू,
कोई देखिए एक बच्चा पैदा करने का प्रोसेस उतना आसान नहीं है, हम आपको डजन पैदा करके दे देते हैं विदाउट विंकिंग एन आई। ये ताकत ये हिम्मत सिर्फ खुदा ने औरत को दी है और इसीलिए माँ का दर्जा अल्लाह ताला ने हर किताब में, हर किताब चाहे वह आसमानी हो या गीता या कुछ और किताब हो, उसमें माँ का दर्जा बहुत बड़ा रखा गया है। हालांकि ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बिलीव करें या ना करें, मुहावरा जो आम हो गया है कि गॉड के नॉट बी एनी वेयर दैट्स वी क्रिएटेड मदर, लेकिन ये बात नहीं, अल्लाह हर तरफ मौजूद है। लेकिन बोलने वाले कि भाई माँ का दर्जा, औरत का दर्जा जो है उसको हम कभी भी दूसरे दर्जे पर रख ही नहीं सकते, हमारा दर्जा बहुत बुलंद है। ये जो फेमिनिस्ट फाइट है फॉर द इक्वालिटी, ये इक्वालिटी के लिए नहीं है, हमारे राइट्स के लिए है, हुकूक के लिए है और मर्द को उनकी जिम्मेदारियां बताने के लिए है। कि अक्सर हम अपने बच्चों को, मैं खुद माँ हूँ, सिर्फ उसके हक बताती हूँ और बच्ची को उसकी जिम्मेदारियाँ, ये नहीं होना चाहिए। हमें जब हक देते हैं तो जिम्मेदारियाँ ऑटोमेटिकली आती हैं, हमें अपने बच्चों को मसावात, और जो कहते हैं ना कि इस्लाम की तीन चीज़ें बहुत अहम हैं, इक्वालिटी, इक्विटी और जस्टिस, ये कहीं आपको देखने नहीं मिलेंगी। इन तीन चीज़ों को हमें प्रमोट करना है मदर हो के, माँ माँ होने के नाते। हम हमेशा देखते हैं कि बच्चियों को जो नहीं करने की इतनी बड़ी लिस्ट होती है डोंट्स की, बच्चों को डूज की बहुत लंबी लिस्ट होती है, हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार होते हैं कि हम बड़े बच्चों को हम किस तरह से समाजियाना दे रहे हैं, किस तरह की तरबियत हम दे रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब ये फ्यूमो का ऑर्गेनाइजेशन का आज इफ्तिताही इजलास है, लेकिन पता ये भी चलता है कि 2013 में इसका इनकाद हुआ और आज इसकी शायद फॉर्मल यू नो मीटिंग हो रही है, इनकाद हो रहा है, अमल पहराई हो रही होगी इसके ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि फारूखी साहब इसके साथ जुड़ जाएंगे। मुझे पता है कि असमा भी नहीं जुड़ी हैं शायद उस कॉलेज से, निज़ामिया कॉलेज से अब जुड़ी नहीं हैं, अलमारिफ से हैं शायद वो, तो मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, आज सुबह ही पता चला मुझे। लेकिन हर इंस्टीट्यूट अपने ख़वातीन के लिए कुछ ख़ास मराहत रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ख़वातीन को मर्द हज़रात उनकी तरक्की के लिए जुड़ जाएं, इसलिए कि शी के साथ जब ही नहीं होगा कोई तरक्की नहीं होगी। मर्द का औरत के साथ साथ देना और आगे बढ़ने के लिए साथ देना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पे जब एक औरत काम के लिए बाहर आती है। हमें चाहिए कि हमारा जो दायरेकार है, जो काम है, जो ऑफिस का मुकाम है, जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ आप काम करती हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे हमें बहुत ही कंफर्ट जोन बना के दें, जहाँ अपने आप को मैं अपने मर्द साथी के साथ भी कंफर्टेबली काम कर सकूं, जहाँ पे मुझे कोई भी जिनसी हिरासानी का या सिन्फी यू नो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी नौबत ना आए। ऐसा माहौल सिर्फ डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एक बात लेके चलें कि हम दो पार्टीज नहीं हैं, पार्टीज में अपोजिशन पार्टी होती है, हम तो दोनों एक ही हम पार्टनर्स हैं, मर्द और औरत पार्टनर होते हैं और पार्टनर कभी दुश्मन नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे का साथ देना है, आगे निकलना है। जितने आज हैरेसमेंट केसेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, सोच लीजिएगा कि कौन अपने दायरे से बाहर काम कर रहा है, कौन समझ रहा है कि औरत जब बाहर आती है तो वो खिलवाड़ की चीज़ हो जाती है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो फ्रीली अवेलेबल है। इस ज़हनियत को हमें मारना है। आज जब बहुत तादाद में ख़वातीन बाहर आ रही हैं तो पन्ने के पन्ने न्यूज़पेपर्स के आप देखिए, पहले पन्ने पे ही इस तरह के वारदात बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जब ख़वातीन घरों में थी तो ये बात नहीं रहती थी, तो ये क्या मर्दानी समाज औरत को बाहर आने नहीं दे रहा है या उसको डरा रहा है, उसकी ज़हनियत को बिगाड़ रहा है कि तू घर में ही बेहतर है, बाहर मत आ। ये इसमें बदलाव सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के साथ से हो सकता है। मैं चाहूँगी कि फ्यूमो को बहुत सारा सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मिले, बहुत सारा सपोर्ट मर्द हजरात से मिले, ताकि ख़वातीन
घर से बाहर आए अपने पूरे दायरे में रहते हुए जो कुछ भी खुदा ने हमें दायरे दिए हैं उसमें रहें और अपनी कोशिश करें कि समाज में सर ऊंचा करके चलें और हमारी ख्वातीन की अपनी बहनों की जो पिछड़ा तबका है उनकी तकालीफ को दूर करने की कोशिश करें। आपके ऑब्जेक्टिव्स में सुन रही थी आप कैंप्स भी करना चाह रहे हैं, कैंप्स करती आ रही हैं शायद, मैं चाहूँगी कि ये काम ये सिलसिला आप जारी रखें। मैंने कई और स्लम्स विज़िट किए, इतनी कसम पुरसी की हालत, इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन देख के मुझे तो हैरत हुई कि क्या इंसान रहने की बस्तियां हैं ये, जहां हर किस्म का जानवर और इंसान अशरफुल मखलूक़ात जिसे खुदा ने बनाया है वो भी एक ही सतह पे रहते हैं। हमारे मोहल्लात हफीज़ बाबा नगर मदीना मस्जिद के पीछे जो महाजिर कॉलोनी वहाँ की देख लीजिएगा, दूसरे स्लम्स देख लीजिएगा। मलकपेट के दूर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था, मैंने कहा किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्यों हमारे वहाँ के कारपोरेटर्स जो वोट लेने के आते, मैंने कहा इस गाड़ी कैसे आती वो हजरत की, तो बोले जब कचरा वचरा साफ हो जाता है। इस्लाम ने सफाई को आधा ईमान कहा है, आधा, कितनी बड़ी बात है। हम अपने घर तो साफ कर लेते हैं, घुड़ पे फेंकने से दो मिनट हम हेजिटेट नहीं करते, फिर आप बताइए आपके मोहल्लात क्लीन हों तो कैसे हों, आपने इस्लाम पे चल रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं। हम लोग सब 50% मुसलमान हैं, नहीं फॉर्चुनेट हैं, अल्लाह का शुक्र है, हज़ारों बार शुक्र अदा करें कि एक मुसलमान घराने में पैदा हुए कलमा गो हैं, लेकिन सिर्फ हमारे नाम के मुसलमान होने से कुछ नहीं होगा, उस पे चल के बताइएगा, दूसरों के लिए मिसाल कायम करिएगा। बकरीद राउंड लें ज़रा, हमारे गाय और बकरी की गलाजत कहाँ फेंकी जाती है, सरे पाए कहाँ बिखेरे जाते हैं, कितने दिन तक ताफुन फैला रहता है। आपने कभी सोचा हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं टॉपिक से हट रही हूँ लेकिन मुझे मौका मिला है कि एड्रेस करूँ, जहाँ भी करूँ थोड़ी सी बात कर लूँ कि हाइजीन, जब तक वो नहीं रही बीमारियाँ जिसका आज मेडिकल उस पर यहाँ जिक्र करने के लिए हम बैठे हैं, ये ऐसे ही घिरे रहेंगे। मैं मुबारकबादी देती हूँ, आज फारूखी साहब ने इतनी बड़ी बात कही, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। I usually depend on non-allopathic medicines और मुझे पूरा इतबार है एक ना एक दिन यूनानी मेडिसिन इस सरजमीन पे छा के रहेगी, लोगों को पता चलेगा कि इसकी अहमियत क्या है। लोग जब तक पैसे ना खर्च करें ना उनको एतमाद होता ना एतबार होता। फ्री में आप कुछ भी दे दीजिए लोगों को, अरे ये क्या चाराने की दवा का इलाज करते, ये बात जो माइंडसेट है ना, हमारी ज़हनियत को हमें बदलना है, ज़हनियत को बदलना है। खुदा ने हर चीज़ में मेडिसिन रखी है, छोटी छोटी पत्तियों में छुपा के रखी है, वो काम आप लोग कर रहे हैं यूनानी वाले, ये दुनिया को बताइए और इसको प्रमोट करिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को आपके इल्म को दिन दोगुनी रात चौगुनी बहुत तरक्की अता करे, और मैं चाहती हूँ कि भाई यूनानी मेडिसिन बहुत ही आम हो जाए, हर कोई इस पे एतमाद करे और इस पे कायम और दायम रहें। और मैं चाहूँगी कि तिबैया कॉलेज फिर से उसी तरह रोशनी बिखरे जो 50 साल पहले बिखरता था, और मुझे पूरा यकीन है फारूखी साहब के अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंतज़ामिया में ज़रूर बज़रूर इसमें बहुत जल्द बदलाव आएगा, वो चीज़ नमोदार होगी जिसके हम मुंतज़िर हैं काफ़ी सालों से। बहुत बुरा लगता था जब पेपर में पढ़ती रही कि भाई क्यों यूनानी हॉस्पिटल की हालत ऐसी हो रही है। दुआओं के साथ अस्मा को और तमाम लोग जो फ्यूमो से जुड़े हुए हैं, आगे कामयाब हों, आप तरक्की के रास्ते पे गामजन हैं, आपकी इस तरक्की के लिए तमाम कॉलेज तमाम मर्द और हजरात जुड़ जाएंगे और उनकी तरक्की के लिए
उनकी बेहतरी के लिए आप काम कर रही हैं अपनी कौम के लिए, बहुत बड़ी बात है। मैं सत्या मैडम को मिलकर भी बड़ी खुशी हुई कि शी सो मच इन्वॉल्व, बिकॉज मैं इस एस्पेक्ट को बिल्कुल नहीं जानती थी। अक्सर होता यह है कि उर्दू पेपर हमारे उसमें कभी आ गए कभी नहीं आए, तो मे बी आई नेवर गॉट एक्सपोज टू हर सो ब्यूटिफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनानी मेडिसिन। कंग्रेचुलेशंस टू यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे बुलाने का शुक्रिया। आज आपने मेरी कड़वी बातें सुनी, बर्दाश्त की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्ला मैडम, आपकी हिम्मत अफजाई और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम हम सब से औरतों के किरदार और मकाम के बारे में बहुत कीमती बातों से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा रही थी। मैं फ्यूमो की तरफ से एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। तोड़ना है हर पिंजड़ा मेरी उड़ान अभी बाकी है, तोड़ना है हर पिंजड़ा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले ज़मी भर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी अंदर कई तूफान अभी बाकी हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूमो कमिटी, इट विल बी प्लेड व्हाइल द फेलिसिटेशन इज गोइंग ऑन। चीफ गेस्ट डॉक्टर एम ए फारूकी सर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज। तबरीक और मोजिस साहेब ही शह नशी पे तशरीफ़ फरमा और हमारे बेहतरीन काबिल फ़ख्र असादसाए इकराम और अतीबा उज़ाम और यहाँ हमारे नन्हे मुन्ने के महकते गुलाब हमारे और ज़्यादातर तो मेरे स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। ये जो कहा जाता था आम तौर पे कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो अब इसको ज़रा बदल के हिम्मत औरतें मदद खुदा बोलना चाहिए। और ख़ास बात तो ये हुई, एक अब तक तो मालूम नहीं था कि हमारी बेटी डॉक्टर असमा फ़ोन करके बोले कि मैडम सिर्फ लेडीज़ रहेंगे। कई कई एसोसिएशंस हैं, कई तंजीमें हैं, कई यूनियन हैं जहाँ दोनों भी मौजूद होते हैं, कि कभी इनकी नंबरिंग ज़्यादा होती कभी उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्योर जो है लेडीज़ का मसला फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो एक बात याद आई कि गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के प्रोडक्ट्स हैं जितने भी हैं यहाँ मौजूद, मेजॉरिटी मैं समझती हूँ कुछ अब्दुल हक तिब्बी कॉलेज के होंगे या अलारिफ के जो हाल में आए हैं वो बच्चे भी होंगे यहाँ मौजूद। तो मैं गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज का मकाम एशिया कॉन्टीनेंट में पहले नंबर पर है। तो अब मैं समझती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो प्रोग्राम करे हैं हमारे बेटियाँ, ये वाकई काबिल मुबारकबाद है। तो ये बच्चियाँ जो सिर्फ लेडीज़ का प्रोग्राम रखे हैं, तो मैं समझती हूँ आयुष डिपार्टमेंट यूनानी की दुनिया में हिंदुस्तान में शायद पहले, हमारे फारूक साहब से पूछना चाहिए पहले है नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कोई काम की शुरुआत करना बहुत बड़े मायने रखता है।
आप काम शुरू हो गया उसको चलाना एक और बात है, लेकिन काम की शुरुआत जो होती है वो काफ़ी मजा लेना। और मैं इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ और बहुत हैरत भी है कि बहुत अच्छा इंतज़ाम करे हैं और फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम करना, इतनी गैदरिंग बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं ये बच्चियों को जो फिल्मों के स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये बेटियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और एक बात जहन में रखिए, कभी भी कोई एसोसिएशन हो, कोई भी कुछ भी यूनियन हो, कोई भी मामला हो, आप जो है उसमें जितने भी काम करते हैं, जितने भी वर्किंग रहते हैं, सबसे पहली बात कि वो एक समझदार होना बहुत ज़रूरी है। हर मामले को निपटने के लिए समझदारी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। समझदार होना और एक दूसरे को समझ के काम करना, जितने भी मेन मेंबर्स होते हैं एसोसिएशन के, वो लोग एक दूसरे को समझ के काम करते हैं तो वो उससे बहुत अच्छा रहता है। आपके सामने 50 मसले आते हैं, हर मसले को उसकी नौयत से, उसको किस नज़र से देखना चाहिए, वक्त को, हालात को समझते हुए उसके ताल्लुक से फैसले करना, उसके लिए कदम बढ़ाना बहुत बेहतरीन चीज़ है। और आप ऐसा ही आज जो इनॉग्रेशन करे हैं आपकी फिल्मों का, आप इसी अंदाज से चलते रहिए, ताकि आप ये सब चीज़ों पे ध्यान में रखेंगे, जो भी चीज़ें अहम हैं उसको ध्यान में रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको कामयाबी नसीब होंगी। कामयाबी का ज़मीन होती हैं ये चीज़ें, हमेशा एक दूसरे से आप एक कदम बढ़ा दिए, आप प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, आप कभी पीछे हटने का नहीं सोचना, हालात अच्छे बुरे जो भी आए उसको फेस करना और उसके आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप पीछे हट गए, इतना बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन बना के आप पीछे हट गए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई लोग पलट के नहीं देखते आपको। फिर आप बाद में 4 साल के बाद बढ़े, नहीं नहीं हम फिर ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो लोगों की नज़र में अहमियत नहीं रहती। तो अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये एक बात है कि हमारी मैडम बता रहे थे, ये सही बात है, ये औरत जो है, इसलिए अल्लाह में जो है औरत का मकाम, औरत जन्नत जैसी खूबसूरत चीज़ को औरत के खदमों पर डाल दिया है, चाहे वो कोई भी हो, औरत की जो है बहुत बड़ी अहमियत है। ये और बात है, कल भी दुनिया कायनात अमल में आई औरत की वजह से। अगर हव्वा अलैहिस्सलाम, शैतान जाके हव्वा अलैहिस्सलाम को भटकाया तो आदम अलैहिस्सलाम को गेहूँ खिला दिए, दुनिया कायनात वजूद में आ गई। तो इसी तरह औरत का वहाँ से यहाँ तक, आसमान से ज़मीन तक औरत का ही जो है डोमिनेशन रहा है, इसमें शक नहीं। और दूसरी ये बात बताना चाह रही हूँ मैं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट जो मौजूद है, ये स्टूडेंट जो भी आप लोग टीचिंग करते हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो इनको इसका ख्याल रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स इनके यहाँ के हमारे कॉलेज के नाम के एतबार से स्टूडेंट्स बहुत मजे हुए निकले, ताकि जहाँ भी कहीं हम जाएँ तो वो बच्चों को जो है हम पे फ़ख्र, हम फ़ख्र कर सकें कि हमारे स्टूडेंट से मंजे हुए हैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, फारूकी की बात है तो कि कॉलेज में जो भी क्या बोलना चाहिए, कॉलेज अच्छा हो गया, खूबसूरत हो गया। और भी जो है फारूकी, आपके लिए बहुत मामूली चीज़ है, आप करें तो ये कोई कारनामा नहीं है आपका कि कॉलेज थोड़ा अच्छा। हम आपसे इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप इतना रोज दिन दोगुनी रात चौगुनी इतनी तरक्की करना कि कॉलेज आज तक जो है गवर्नमेंट निज़ामिया टीबी कॉलेज एशिया कॉन्टिनेंट का पहला कॉलेज है। हम चाहते हैं कि आपको जो है अल्लाह सेहत दे और आप वर्ल्ड का पहला कॉलेज बना के हटिए। आपकी जितनी भी पीरियड है उसमें कोशिश कीजिए, कल पे कोई काम मत छोड़िए, कल किसने देखा है, आज जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, जितना काम कर सकते हैं करिए, आप कॉलेज को जो है एक मकाम दिलाइए। बहुत बड़ी आरज़ू थी कि कॉलेज को मकाम हासिल करना, आज से 40-45 साल पहले जो कॉलेज था, आज वो कॉलेज बाकी नहीं रहा, कुछ अजीब व गरीब हो गया था। खैर अल्लाह की मर्ज़ी, कुछ बोल नहीं सकते, हालात कैसे रहते हैं क्या बता सकते हैं, लेकिन अब आप बैठे हैं तो आप ये ज़रूरी समझिए कि जितना जल्दी तरक्की कर सकते हैं करिए, हमको बताइए, इंशाल्लाह ताला हम रहें और आपकी तरक्की को देखें। और चाहे जितने भी लोग हैं कॉलेज में, हॉस्पिटल में काम करने वाले, वो वाकई जो है काम करने वाले फारूकी का साथ दें तो इससे अच्छा रहता कि सब कॉलेज हॉस्पिटल मिलके स्टाफ काम करता है, तो ये लोग जाहिर सी बात है अल्लाह के फजल से तरक्की होंगी ज़रूर। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।
الرحمن الرحیم Honorable Chief Guest, the guest of honor, our most valued invited guests, our special invitees, our teachers, all these juniors and all the Unani fraternity and the audiences. I, on behalf of UMO, deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of UMO inaugural function. Let me first of all say, Alhamdulillah. All glory and praises to Almighty Allah for making today's occasion a resounding success. We are inordinately grateful to the Almighty Allah that He has affiliated us with the noble profession of Unani medicine, which concerns with service and welfare of humanity. May Allah make us worthy of this fortunate rank with honor. As a doctor, we are the instruments of Allah. We work to protect life and preserve health. Therefore, we become the pivots of depressed human beings who are sick, suffering with pains, chronic diseases, who comes towards Unani with a hope and with a hope to get cured. When such patients get benefited with Unani medicine and services, they thank Almighty Allah. They also pray for the doctors who help them to come out of their sufferings. These in-depth prayers from their hearts give us a kind of contentment which cannot be acquired by any other ways and means. This is invaluable reward that makes our life meaningful in its real sense. First and foremost, I thank our chief guest, firstly, Dr. Professor Muhammad Ehsan Farooqi Sir, Principal, Government Nizamia Tibbi College and Additional Director, Unani, to the Ministry of Ayush, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. Today we are extremely grateful to you, sir. The initiatives that you have taken to clean and green our parent institution, Government Nizamia Tibbi College and Government Nizamia General Hospital, and of course the hashtag Nizamia Changing Fast, we have witnessed the change and believe in your vision to make our institute Oxford of Unani. You have always encouraged us by your slogans, learn Unani and earn through Unani, and incorporated compassion from the very beginning for the Unani system of medicine, and encourage us by saying that we BUMS are not after all, but we are above all. Thank you, sir, once again for gracing today's gathering. Thanks to our chief guest, Dr. Shahida Madam, Professor and Head Department of Women Education, Maulana Azad National Urdu University, for your valuable presence. You are kind enough to accept our invitation, and in spite of extremely busy schedule, we acknowledge the moral support and encouragement that we receive from you, ma'am. Your presence is an honor for us. We express our humble thanks to our beloved, respected, special invitees, our lecturers, the female legend of Unani system of medicine, and our guest of honors. We thank one and all for accepting our invitation and sparing your precious time from your busy schedule. I extend vote of thanks to all the speakers for gracing your important work and sharing us with your findings and knowledge. Thanks also goes to Dr. Iraf and Mr. Anas of Al Watan Pharmacy for their kind behavior, patience and coordination throughout the program. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling days in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated students and volunteers. I cannot thank enough for the involvement they have shown and willingness they have expressed to take on the completion of the task beyond their comfort zones. A special thanks to all the volunteer girls and boys, especially Fazal, without whose help this event wouldn't have been successful. We are also thankful to Urdu Maskan in charge, Mr. Moin, whose guidance has helped a lot in giving this program a successful end. Last but not the least, we are grateful to our female Unani fraternity, all the doctors and audiences who grace this occasion. We are thankful to you one and all. It is the time we have to beware of responsibility, realize the collective potential and come out of the inertia, inaction, self-centeredness. And we have to move from individuality towards the collectivity, because for a better future, together we have to work for tomorrow. My thanks will not complete if I do not acknowledge the efforts, the hard work of Dr. Asma Sultana Madam,
Her relentless commitment has inspired all of us to do our best for FUMO, regardless of the challenges we face. I would like to say that मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. And I also thank Dr. Samia Shireen ma'am. I thank all the audiences and I thank one and all. By chance, if anyone to whom we owe our gratitude has not been mentioned, I say a big thank you. Thank you one and all. I thank my family, my daughters who really waited for me. I am very thankful to everyone who make this event successful. Thank you all. अल्लाह बरकातहू हूँ. मैं डॉक्टर असमा सुल्ताना इस फ्यूमो की जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये मेरे साथ डॉक्टर समिया शिरीन है, प्रेसिडेंट है फ्यूमो ऑर्गेनाइजेशन की. ये दर हकीकत हमारा एक साल से ख्वाब था इसको क़ायम करने का, मगर कुछ मसरूफियात के खातिर की वजह से हम इसको एक कुछ वजूद में नहीं ला पाए, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये वक्त मुकर्रर था ये ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेम में लाने का, इसको एक स्ट्रक्चर देने का. और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इफ्तिताही तकरीब बहुत ही बेहतरीन रही. डॉक्टर एहसान फारूकी जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के और एडिशनल डायरेक्टर हैं आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के, और डॉक्टर शाहिदा मैडम शाहिदा मुर्तुज़ा जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की डीन रह चुकी हैं और अभी फ़िलवक़्त प्रोफेसर एंड HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन की, इस तकरीब को एज अ चीफ गेस्ट लीड की हैं. और बहुत गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी थे हमारे जो फ़िलवक़्त करेंटली जो वर्क कर रहे हैं और कुछ अपना मुकाम बनाए हैं यूनानी मेडिसिन में. और इसमें एक हमारा ये मकसद भी था कि हमारे जो असातिज़ा हैं जो हमको पढ़ाए हैं, जो लेडी रिटायर्ड लेक्चरर्स हैं निज़ामिया के, हम उनको बुलाकर फेलिसिटेट करें. और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी ज़ौक़ शौक़ से इसमें हिस्सा ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएँ हमको देते हुए ये तकरीब ख़त्म पे आई है. इस फ्यूमो ऑर्गेनाइजर में ये बताना ज़रूर समझूँगी फ्यूमो का मतलब क़ायम करने का मकसद क्या था. वैसे हम ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसके साथ कायम किए हैं, जैसे नांदी ग्रुप है, कोवा है, उमा है, और हमें हर वक्त ये एक एहसास रहा कि क्यों ना हम अपनी सलाहियतों को कुछ जो यूनानी वुमेंस हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनकी रहबरी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करें. क्योंकि हर किसी को मौका नहीं मिलता, हर किसी के घर के हालात वैसे नहीं रहते, कुछ घर के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियतों को रखते हुए भी वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते या अपनी सलाहियतों को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और अपनी जो आने वाली जनरेशन है फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको इस तक पहुंचा नहीं सकते. तो ख़ासकर फीमेल यूनानी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कायम करने का मकसद यही था. हालांकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फीमेल्स कुछ रोल अदा नहीं करती, हर ऑर्गेनाइजेशन में फ़ीमेल्स का रोल अदा हो रहा है, मगर एक एक्सक्लूसिवली फ़ीमेल ऑर्गेनाइजेशन को कायम करने का मकसद ये था कि उस वुमेंस को जिसको रेस्ट्रिक्शन हैं, जो सही तौर पर अपने सलाहियतों को अंजाम नहीं दे पा रही हैं या युद्ध जो कमिंग युद्ध है उनके सामने रख नहीं पा रही हैं, ये उनके लिए हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों को लोगों तक बताएं. और साथ ही साथ इस सेमिनार में हम साइंटिफिक सेमिनार था किस्म का, ये एक इनोवेटिव सेमिनार था जिसमें चार लोग यहाँ तक कि बैंगलोर से भी हम बुलाए उनको आकर वो अपना पेपर प्रेजेंट किए हैं यहाँ पर ताकि लोग उनकी जो तजुर्बा है उनका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग में मेडिकल सर्विसेज में वो यंग जनरेशन तक पहुँची. और इंशाल्लाह आगे भी वक्तन फ़ौक्तन इस तरह के प्रोग्राम हम अंजाम देते रहेंगे. बस आप सबकी दुआओं के वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल द प्रेयर्स फ्रॉम यू ऑल. ठीक है, थैंक यू सो मच.